नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन अनुवाद, माय ब्रदर की दुल्हन 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है और आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर और तारा डिसूजा है। फिल्म में डिंपल दीक्षित कैफ और लव अग्निहोत्री जफर की शादी होने वाली है, लेकिन मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब डिंपल और कुश खान शादी से पहले के दिनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं। निर्देशक अली अब्बास जफर द्वारा लिखित, अली अब्बास जफर द्वारा उत्पादित, आदित्य चोपड़ा अभिनीत, इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर, तारा डिसूजा, छायांकन सुदीप चटर्जी द्वारा संपादित, रितेश सोनी, संगीत दिया है सोहेल सेन, प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, रिलीज की तारीख 9 सितंबर 2011, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 220 मिलियन $, 2.8 मिलियन बॉक्स ऑफिस, 856 मिलियन $, 11 मिलियन। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने अगस्त 2010 में जफर के बाद विकास में प्रवेश किया, जो तब एक सहायक निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने यशराज के लिए 3-3 अलग पटकथाएँ लिखीं। उसके बाद जल्द ही खान और कैफ की भागीदारी की घोषणा की गई। न्यूयॉर्क 2009 के बाद यशराज और कैफ के लिए खान की पहली फिल्म और जफर की दूसरी फिल्म थी। जफर और डिसूजा को उनकी शुरुआती बॉलीवुड भूमिकाओं में काम पर रखने के साथ कास्टिंग पूरी की गई और प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2010 में शुरू हुई और नवंबर तक चली, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। रिलीज होने पर फिल्म को मेरे यार की शादी है 2002 और डैन इन रियल लाइफ 2007 से तुलना करते हुए साहित्यिक चोरी के आरोप मिले। मेरे ब्रदर की दुल्हन जुलाई 2011 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थगित कर दी गई। यह उसी वर्ष 9 सितंबर को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क द्वारा भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने दुनिया भर में 856 मिलियन $, 11 मिलियन की कमाई की। यह 2011 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साउंडट्रैक और हाथ से 57वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मेरे ब्रदर की दुल्हन को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैफ और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सोहेल सेन। कथानक लंदन में अपनी प्रेमिका प्याली पटेल ने नाता तोड़ने के बाद लव अग्निहोत्री ने अपने छोटे भाई कुश, जो मुंबई में एक सहायक फिल्म निर्देशक और फोटोग्राफर है, से उनके लिए दुल्हन खोजने का आग्रह किया। कुश अपने सेना के अनुभवी पिता कर्नल सेनानिवृत्त स्वयं अग्निहोत्री और गृहिणी माँ कनक से मिलने के लिए घर पहुँचते हैं और लव के लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने के लिए पूरे भारत में उनके साथ यात्रा करते हैं, लेकिन व्यर्थ। उसके दोस्त एक अखबार में इसका विज्ञापन करने का विचार लेकर आए। एक निश्चित दिलीप दीक्षित ने विज्ञापन का जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया कि वह अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश कर रहा है। हालांकि जब कुछ दीक्षित परिवार से मिलने के लिए अपने माता पिता के साथ दिल्ली की यात्रा करते हैं, तो वह यह जानकर चौंक जाते हैं कि भावी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि डिंपल डी दीक्षित है, जिनसे वह 5 साल की उम्र में कॉलेज में एक मुठभेड़ के दौरान मिले थे। साल पहले अप्रिय और ज़ोरदार डिंपल, वह सब कुछ है जो कुछ नहीं है, लेकिन वह एक दृश्य नहीं बनाने की विनती करता है और उसे गठबंधन पर विचार करने के लिए कहता है। लव से मिलने के बाद डिंपल उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है।
उसका भाई अजय चाहता है कि उनकी शादी आगरा में ऐसी जगह हो जहां से ताजमहल दिखाई दे। हालांकि शादी की तैयारियों के दौरान खुश को पता चलता है कि उसके मन में डिंपल के लिए भावनाएं हैं और वह शुरू में उसे थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। बाद में वह भागने की कोशिश करते हैं लेकिन यह काम नहीं करता है और वे वापस लौटते हैं। लव को विचलित करने की योजना बनाते हैं। आखिरकार शादी की पूर्व संध्या पर डिंपल आपसी मित्र प्याली को आगरा ले जाती है। लव यह जानकर कि वह अभी भी प्याली के लिए भावनाएं रखते हैं, दोनों अगले दिन भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लव तब अग्निहोत्री और दीक्षित परिवार को पत्र भेजकर उनके भाग जाने का कारण बताते हैं। पत्रों को पढ़ने के बाद दिलीप और स्वर्णी के बीच कड़वी लड़ाई होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके सम्मान और गौरव की रक्षा करने का एकमात्र तरीका कुश और डिंपल की शादी करवाना है। हालांकि कुश ने एक शर्त रखी कि वह डिंपल से तभी शादी करेगा जब लव और प्याली को स्वीकार किया जाएगा। परिवार सहमत है, दोनों जोड़े एक उचित भव्य शादी का आनंद ले रहे हैं। वे हमेशा एक साथ खुशी से रहते हैं। ढालना, कुश अग्निहोत्री के रूप में इमरान खान, डिंपल डी दीक्षित के रूप में कैटरीना कैफ, लव अग्निहोत्री के रूप में अली जफर, प्याली पटेल के रूप में तारा डिसूजा, रॉबिन के रूप में सूफी मल्होत्रा, परीक्षित साहनी, कर्नल स्वर्ण अग्निहोत्री के रूप में दिलीप दीक्षित के रूप में कमलजीत सिंह, कनक अग्निहोत्री के रूप में सुपर्णा मारवाहा, करमवीर चौधरी हरियाणवी लड़की के पिता के रूप में लता दीक्षित के रूप में मरऊ शेख, अजय दीक्षित के रूप में अरफिन खान, शोभित के रूप में मोहम्मद जीशान अयोग, तारिक वासुदेव, रोहित के रूप में ब्रजेंद्र काला, सलमान भाई के रूप में जॉन अब्राहम, खुद के रूप में विशेष उपस्थिति में स्कॉटिश पर्यटक के रूप में यान फ्रेजर एयरपोर्ट गार्ड को धक्का दे रहा है। कायरा दत्त टाइटल ट्रैक में एक विशेष गीत में दिखाई देती है। गीत संगीत मेरे ब्रदर की दुल्हन द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम सोहेल सेन मुक्त 9 अगस्त 2011 रिकॉर्डेड 2011 YRF स्टूडियो सावा स्टूडियो मुंबई भारत। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 35 मिनट 21 सेकेंड लेवल YRF संगीत निर्माता सोहेल सेन सोहेल सेन कालक्रम खेले हम जी जान से 2010 मेरे ब्रदर की दुल्हन 2011 एक था टाइगर 2012 फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक सोहेल सेन द्वारा रचित था जो व्हाट्स योर राशि 2009 बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं जो सोहेल सेन और इरशाद कामिल के बीच पहली बार काम कर रहे हैं। फिल्म में अली जफर ने एक गाना गाया है मधुबाला। कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया गीत बीते जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री मधुबाला को श्रद्धांजलि था। संगीत 9 अगस्त 2011 को जारी किया गया था। एल्बम में 6 मूल ट्रैक और 2 रिमिक्स शामिल हैं। गाना नंबर 1 मेरे ब्रदर की दुल्हन इस गाने के गायकार के सहायक गायक कृष्णा बेवरा हैं। गाना नंबर 2 धुन की इस गाने के गायकार नेहा वसीन हैं। गाना नंबर 3 चूमंतर इस गाने के गायकार बीनी दयाल और अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 4 इश्क जोखिम इस गाने के गायकार राहत फ़तेह अली खान हैं। गाना नंबर 5 मधुबाला इस गाने के गायकार अली जफर श्री रामचंद्र और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 6 दोधारी तलवार इस गाने के गायकार शाहिद माल्या और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 7 चूमंतर रीमिक्स इस गाने के गायकार बीनी दयाल अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 8 इश्क जोखिम जोखिम भरा मिश्रण इस गाने के गायकार श्री रामचंद्र और नेहा वसीन हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को
आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन अनुवाद, माय ब्रदर की दुल्हन 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है और आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर और तारा डिसूजा है। फिल्म में डिंपल दीक्षित कैफ और लव अग्निहोत्री जफर की शादी होने वाली है, लेकिन मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब डिंपल और कुश खान शादी से पहले के दिनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं। निर्देशक अली अब्बास जफर द्वारा लिखित, अली अब्बास जफर द्वारा उत्पादित, आदित्य चोपड़ा अभिनीत, इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर, तारा डिसूजा, छायांकन सुदीप चटर्जी द्वारा संपादित, रितेश सोनी संगीत दिया है, सोहेल सेन प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, रिलीज की तारीख 9 सितंबर 2011, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 220 मिलियन $, 2.8 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 856 मिलियन $, 11 मिलियन। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने अगस्त 2010 में जफर के बाद विकास में प्रवेश किया, जो तब एक सहायक निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने यशराज के लिए 3-3 अलग पटकथाएँ लिखीं। उसके बाद जल्द ही खान और कैफ की भागीदारी की घोषणा की गई। न्यूयॉर्क 2009 के बाद यशराज और कैफ के लिए खान की पहली फिल्म और जफर की दूसरी फिल्म थी। जफर और डिसूजा को उनकी शुरुआती बॉलीवुड भूमिकाओं में काम पर रखने के साथ कास्टिंग पूरी की गई और प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2010 में शुरू हुई और नवंबर तक चली, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। रिलीज होने पर फिल्म को मेरी यार की शादी है 2002 और डैन इन रियल लाइफ 2007 से तुलना करते हुए साहित्यिक चोरी के आरोप मिले। मेरे ब्रदर की दुल्हन जुलाई 2011 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थगित कर दी गई। यह उसी वर्ष 9 सितंबर को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क द्वारा भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने दुनिया भर में 856 मिलियन $, 11 मिलियन की कमाई की। यह 2011 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक और हास्य 57वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मेरे ब्रदर की दुल्हन को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैफ और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सोहेल सेन। कथानक लंदन में अपनी प्रेमिका प्याली पटेल ने नाता तोड़ने के बाद लव अग्निहोत्री ने अपने छोटे भाई कुश, जो मुंबई में एक सहायक फिल्म निर्देशक और फोटोग्राफर है, से उनके लिए दुल्हन खोजने का आग्रह किया। कुश अपने सेना के अनुभवी पिता कर्नल सेनानिवृत्त स्वयं अग्निहोत्री और गृहिणी माँ कनक से मिलने के लिए घर पहुँचते हैं और लव के लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने के लिए पूरे भारत में उनके साथ यात्रा करते हैं, लेकिन व्यर्थ। उसके दोस्त एक अखबार में इसका विज्ञापन करने का विचार लेकर आए। एक निश्चित दिलीप दीक्षित ने विज्ञापन का जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया कि वह अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश कर रहा है। हालांकि जब कुछ दीक्षित परिवार से मिलने के लिए अपने माता पिता के साथ दिल्ली की यात्रा करते हैं, तो वह यह जानकर चौंक जाते हैं कि भावी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि डिंपल डी दीक्षित है, जिनसे वह 5 साल की उम्र में कॉलेज में एक मुठभेड़ के दौरान मिले थे। साल पहले अप्रिया और जोरदार डिंपल वह सब कुछ है जो कुछ नहीं है, लेकिन वह एक दृश्य नहीं बनाने की विनती करता है और उसे गठबंधन पर विचार करने के लिए कहता है। लव से मिलने के बाद डिंपल उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उसका भाई अजय चाहता है कि उनकी शादी आगरा में ऐसी जगह हो जहाँ से ताजमहल दिखाई दे। हालांकि शादी की तैयारियों के दौरान कुश को पता चलता है कि उसके मन में डिंपल के लिए भावनाएं हैं और वह शुरू में उसे थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। बाद में वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता है और वे वापस लौटते हैं। लव को विचलित करने की योजना बनाते हैं। आखिरकार शादी की पूर्व संध्या पर डिंपल आपसी मित्र प्याली को आगरा ले जाती है।
लव यह जानकर कि वह अभी भी प्याली के लिए भावनाएं रखते हैं, दोनों अगले दिन भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लव तब अग्निहोत्री और दीक्षित परिवार को पत्र भेजकर उनके भाग जाने का कारण बताते हैं। पत्रों को पढ़ने के बाद दिलीप और स्वर्णिक के बीच कड़वी लड़ाई होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके सम्मान और गौरव की रक्षा करने का एकमात्र तरीका कुश और डिंपल की शादी करवाना है। हालांकि कुश ने एक शर्त रखी कि वह डिंपल से तभी शादी करेगा जब लव और प्याली को स्वीकार किया जाएगा। परिवार सहमत है, दोनों जोड़े एक उचित भव्य शादी का आनंद ले रहे हैं। वे हमेशा एक साथ खुशी से रहते हैं। ढालना, कुश अग्निहोत्री के रूप में इमरान खान, डिंपल डी दीक्षित के रूप में कैटरीना कैफ, लव अग्निहोत्री के रूप में अली जफर, प्याली पटेल के रूप में तारा डिसूजा, रॉबिन के रूप में सूफी मल्होत्रा, परीक्षित साहनी, कर्नल स्वर्ण अग्निहोत्री के रूप में दिलीप दीक्षित के रूप में कमलजीत सिंह, कनक अग्निहोत्री के रूप में सुपर्णा मारवाहा, करमवीर चौधरी हरियाणवी लड़की के पिता के रूप में लता दीक्षित के रूप में मरव शेख, अजय दीक्षित के रूप में अरफिन खान, शोभित के रूप में मोहम्मद जीशान अयोग, तारिक वासुदेव, रोहित के रूप में ब्रजेंद्र काला, सलमान भाई के रूप में जॉन अब्राहम, खुद के रूप में विशेष उपस्थिति में स्कॉटिश पर्यटक के रूप में यान फ्रेजर एयरपोर्ट गार्ड को धक्का दे रहा है। कायरा दत्त टाइटल ट्रैक में एक विशेष गीत में दिखाई देती है। गीत संगीत मेरे ब्रदर की दुल्हन द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम सोहेल सेन मुक्त 9 अगस्त 2011 रिकॉर्डेड 2011 YRF स्टूडियो सावा स्टूडियो मुंबई भारत। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 35 मिनट 21 सेकेंड लेवल YRF संगीत निर्माता सोहेल सेन। सोहेल सेन कालक्रम खेले हम जी जान से 2010 मेरे ब्रदर की दुल्हन 2011 एक था टाइगर 2012 फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक सोहेल सेन द्वारा रचित था जो व्हाट्स योर राशि 2009 बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं जो सोहेल सेन और इरशाद कामिल के बीच पहली बार काम कर रहे हैं। फिल्म में अली जफर ने एक गाना गाया है मधुबाला। कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया गीत बीते जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री मधुबाला को श्रद्धांजलि था। संगीत 9 अगस्त 2011 को जारी किया गया था। एल्बम में 6 मूल ट्रैक और 2 रिमिक्स शामिल हैं। गाना नंबर 1 मेरे ब्रदर की दुल्हन इस गाने के गायकार के सहायक गायक कृष्णा बेवरा हैं। गाना नंबर 2 धुन की इस गाने के गायकार नेहा वसीन हैं। गाना नंबर 3 चूमंतर इस गाने के गायकार बीनी दयाल और अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 4 इश्क जोखिम इस गाने के गायकार राहत फतेह अली खान हैं। गाना नंबर 5 मधुबाला इस गाने के गायकार अली जफर, श्री रामचंद्र और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 6 दोधारी तलवार इस गाने के गायकार शाहिद माल्या और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 7 चूमंतर रीमिक्स इस गाने के गायकार बीनी दयाल अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 8 इश्क जोखिम जोखिम भरा मिश्रण इस गाने के गायकार श्री रामचंद्र और नेहा वसीन हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन अनुवाद माय ब्रदर की दुल्हन 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है और आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर और तारा डिसूजा है। फिल्म में डिंपल दीक्षित, कैफ,
और लव अग्निहोत्री, जफर की शादी होने वाली है, लेकिन मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब डिंपल और कुश खान शादी से पहले के दिनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं। निर्देशक अली अब्बास जफर द्वारा लिखित, अली अब्बास जफर द्वारा उत्पादित, आदित्य चोपड़ा, अभिनीत इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर, तारा डिसूजा, छायांकन सुदीप चटर्जी द्वारा संपादित, रितेश सोनी, संगीत दिया है सोहेल सेन, प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, रिलीज की तारीख 9 सितंबर 2011, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 220 मिलियन $, 2.8 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 856 मिलियन $, 11 मिलियन। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने अगस्त 2010 में जफर के बाद विकास में प्रवेश किया, जो तब एक सहायक निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने यशराज के लिए 3-3 अलग पटकथाएँ लिखीं। उसके बाद जल्द ही खान और कैफ की भागीदारी की घोषणा की गई। न्यूयॉर्क 2009 के बाद यशराज और कैफ के लिए खान की पहली फिल्म और जफर की दूसरी फिल्म थी। जफर और डिसूजा को उनकी शुरुआती बॉलीवुड भूमिकाओं में काम पर रखने के साथ कास्टिंग पूरी की गई और प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2010 में शुरू हुई और नवंबर तक चली, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। रिलीज होने पर फिल्म को मेरे यार की शादी है 2002 और डैन इन रियल लाइफ 2007 से तुलना करते हुए साहित्यिक चोरी के आरोप मिले। मेरे ब्रदर की दुल्हन जुलाई 2011 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थगित कर दी गई। यह उसी वर्ष 9 सितंबर को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क द्वारा भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने दुनिया भर में 856 मिलियन $, 11 मिलियन की कमाई की। यह 2011 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक और हास्य 57वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मेरे ब्रदर की दुल्हन को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैफ और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सोहेल सेन। कथानक लंदन में अपनी प्रेमिका प्याली पटेल ने नाता तोड़ने के बाद लव अग्निहोत्री ने अपने छोटे भाई कुश, जो मुंबई में एक सहायक फिल्म निर्देशक और फोटोग्राफर है, से उनके लिए दुल्हन खोजने का आग्रह किया। कुश अपने सेना के अनुभवी पिता कर्नल सेनानिवृत्त स्वयं अग्निहोत्री और गृहिणी माँ कनक से मिलने के लिए घर पहुँचते हैं और लव के लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने के लिए पूरे भारत में उनके साथ यात्रा करते हैं, लेकिन व्यर्थ। उसके दोस्त एक अखबार में इसका विज्ञापन करने का विचार लेकर आए। एक निश्चित दिलीप दीक्षित ने विज्ञापन का जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया कि वह अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश कर रहा है। हालांकि जब कुछ दीक्षित परिवार से मिलने के लिए अपने माता पिता के साथ दिल्ली की यात्रा करते हैं, तो वह यह जानकर चौंक जाते हैं कि भावी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि डिंपल डी दीक्षित है, जिनसे वह 5 साल की उम्र में कॉलेज में एक मुठभेड़ के दौरान मिले थे। साल पहले अप्रिया और जोरदार डिंपल वह सब कुछ है जो कुछ नहीं है, लेकिन वह एक दृश्य नहीं बनाने की विनती करता है और उसे गठबंधन पर विचार करने के लिए कहता है। लव से मिलने के बाद डिंपल उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उसका भाई अजय चाहता है कि उनकी शादी आगरा में ऐसी जगह हो जहाँ से ताजमहल दिखाई दे। हालांकि शादी की तैयारियों के दौरान कुश को पता चलता है कि उसके मन में डिंपल के लिए भावनाएं हैं और वह शुरू में उसे थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। बाद में वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता है और वे वापस लौटते हैं। लव को विचलित करने की योजना बनाते हैं। आखिरकार शादी की पूर्व संध्या पर डिंपल आपसी मित्र प्याली को आगरा ले जाती है। लव यह जानकर कि वह अभी भी प्याली के लिए भावनाएं रखते हैं, दोनों अगले दिन भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लव तब अग्निहोत्री और दीक्षित परिवार को पत्र भेजकर उनके भाग जाने का कारण बताते हैं। पत्रों को पढ़ने के बाद दिलीप और स्वर्णिक के बीच कड़वी लड़ाई होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके सम्मान और गौरव की रक्षा करने का एकमात्र तरीका कुश और डिंपल की शादी करवाना है। हालांकि कुश ने एक शर्त रखी कि वह डिंपल से तभी शादी करेगा जब लव और प्याली को स्वीकार किया जाएगा।
परिवार सहमत है। दोनों जोड़े एक उचित भव्य शादी का आनंद ले रहे हैं। वे हमेशा एक साथ खुशी से रहते हैं। ढालना कुश अग्निहोत्री के रूप में इमरान खान, डिम्पल डी दीक्षित के रूप में कैटरीना कैफ, लव अग्निहोत्री के रूप में अली जफर, प्याली पटेल के रूप में तारा डिसूजा, रॉबिन के रूप में सूफी मल्होत्रा, परीक्षित साहनी, कर्नल स्वर्ण अग्निहोत्री के रूप में दिलीप दीक्षित के रूप में कमलजीत सिंह, कनक अग्निहोत्री के रूप में सुपर्णा मारवाहा, करमवीर चौधरी हरियाणवी लड़की के पिता के रूप में लता दीक्षित के रूप में मरव शेख, अजय दीक्षित के रूप में अरफिन खान, शोभित के रूप में मोहम्मद जीशान अयोग, तारिक वासुदेव, रोहित के रूप में ब्रजेंद्र काला, सलमान भाई के रूप में जॉन अब्राहम, खुद के रूप में विशेष उपस्थिति में स्कॉटिश पर्यटक के रूप में यान फ्रेजर, एयरपोर्ट गार्ड को धक्का दे रहा है कायरा दत्त, टाइटल ट्रैक में एक विशेष गीत में दिखाई देती है। गीत संगीत मेरे ब्रदर की दुल्हन द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम सोहेल सेन, मुक्त 9 अगस्त 2011, रिकॉर्डेड 2011, YRF स्टूडियो, सावा स्टूडियो, मुंबई भारत। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 35 मिनट 21 सेकेंड, लेवल YRF संगीत, निर्माता सोहेल सेन, सोहेल सेन कालक्रम खेले हम जी जान से 2010, मेरे ब्रदर की दुल्हन 2011, एक था टाइगर 2012। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक सोहेल सेन द्वारा रचित था, जो व्हाट्स योर राशि 2009, बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं, जो सोहेल सेन और इरशाद कामिल के बीच पहली बार काम कर रहे हैं। फिल्म में अली जफर ने एक गाना गाया है, मधुबाला कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया गीत बीते जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री मधुबाला को श्रद्धांजलि था। संगीत 9 अगस्त 2011 को जारी किया गया था। एल्बम में 6 मूल ट्रैक और 2 रिमिक्स शामिल हैं। गाना नंबर 1 मेरे ब्रदर की दुल्हन इस गाने के गायकार के, सहायक गायक कृष्णा बेवरा हैं। गाना नंबर 2 धुन की इस गाने के गायकार नेहा वसीन हैं। गाना नंबर 3 चूमंतर इस गाने के गायकार बीनी दयाल और अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 4 इश्क जोखिम इस गाने के गायकार राहत फ़तेह अली खान हैं। गाना नंबर 5 मधुबाला इस गाने के गायकार अली जफर, श्री रामचंद्र और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 6 दोधारी तलवार इस गाने के गायकार शाहिद माल्या और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 7 चूमंतर रीमिक्स इस गाने के गायकार बीनी दयाल, अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 8 इश्क जोखिम जोखिम भरा मिश्रण इस गाने के गायकार श्री रामचंद्र और नेहा वसीन हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन अनुवाद माय ब्रदर की दुल्हन 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है और आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर और तारा डिसूजा है। फिल्म में डिम्पल दीक्षित कैफ और लव अग्निहोत्री जफर की शादी होने वाली है, लेकिन मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब डिम्पल और कुश खान शादी से पहले के दिनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं। निर्देशक अली अब्बास जफर द्वारा लिखित, अली अब्बास जफर द्वारा उत्पादित, आदित्य चोपड़ा अभिनीत, इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर, तारा डिसूजा, छायांकन सुदीप चटर्जी द्वारा संपादित, रितेश सोनी संगीत दिया है, सोहेल सेन, प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क
रिलीज की तारीख 9 सितंबर 2011, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 220 मिलियन US डॉलर, 2.8 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 856 मिलियन US डॉलर, 11 मिलियन। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने अगस्त 2010 में जफर के बाद विकास में प्रवेश किया, जो तब एक सहायक निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने यशराज के लिए 3-3 अलग पटकथाएँ लिखीं। उसके बाद जल्द ही खान और कैफ की भागीदारी की घोषणा की गई। न्यूयॉर्क 2009 के बाद यशराज और कैफ के लिए खान की पहली फिल्म और जफर की दूसरी फिल्म थी। जफर और डिसूजा को उनकी शुरुआती बॉलीवुड भूमिकाओं में काम पर रखने के साथ कास्टिंग पूरी की गई और प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2010 में शुरू हुई और नवंबर तक चली, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। रिलीज होने पर फिल्म को मेरी यार की शादी है 2002 और डैन इन रियल लाइफ 2007 से तुलना करते हुए साहित्यिक चोरी के आरोप मिले। मेरे ब्रदर की दुल्हन जुलाई 2011 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थगित कर दी गई। यह उसी वर्ष 9 सितंबर को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क द्वारा भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने दुनिया भर में 856 मिलियन US डॉलर, 11 मिलियन की कमाई की। यह 2011 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साउंडट्रैक और हास्य 57वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मेरे ब्रदर की दुल्हन को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैफ और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सोहेल सेन। कथानक लंदन में अपनी प्रेमिका प्याली पटेल ने नाता तोड़ने के बाद लव अग्निहोत्री ने अपने छोटे भाई कुश, जो मुंबई में एक सहायक फिल्म निर्देशक और फोटोग्राफर है, से उनके लिए दुल्हन खोजने का आग्रह किया। कुश अपने सेना के अनुभवी पिता कर्नल सेनानिवृत्त स्वयं अग्निहोत्री और गृहिणी माँ कनक से मिलने के लिए घर पहुँचते हैं और लव के लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने के लिए पूरे भारत में उनके साथ यात्रा करते हैं, लेकिन व्यर्थ। उसके दोस्त एक अखबार में इसका विज्ञापन करने का विचार लेकर आए। एक निश्चित दिलीप दीक्षित ने विज्ञापन का जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया कि वह अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश कर रहा है। हालांकि जब कुछ दीक्षित परिवार से मिलने के लिए अपने माता पिता के साथ दिल्ली की यात्रा करते हैं, तो वह यह जानकर चौंक जाते हैं कि भावी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि डिम्पल डी दीक्षित है, जिनसे वह 5वें साल पहले 5 साल की उम्र में कॉलेज में एक मुठभेड़ के दौरान मिले थे। साल पहले अप्रिय और ज़ोरदार डिम्पल वह सब कुछ है जो कुछ नहीं है, लेकिन वह एक दृश्य नहीं बनाने की विनती करता है और उसे गठबंधन पर विचार करने के लिए कहता है। लव से मिलने के बाद डिम्पल उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उसका भाई अजय चाहता है कि उनकी शादी आगरा में ऐसी जगह हो जहाँ से ताजमहल दिखाई दे। हालांकि शादी की तैयारियों के दौरान कुछ को पता चलता है कि उसके मन में डिम्पल के लिए भावनाएं हैं और वह शुरू में उसे थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। बाद में वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता है और वे वापस लौटते हैं। लव को विचलित करने की योजना बनाते हैं। आखिरकार शादी की पूर्व संध्या पर डिम्पल आपसी मित्र प्याली को आगरा ले जाती है। लव यह जानकर कि वह अभी भी प्याली के लिए भावनाएं रखते हैं, दोनों अगले दिन भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लव तब अग्निहोत्री और दीक्षित परिवार को पत्र भेजकर उनके भाग जाने का कारण बताते हैं। पत्रों को पढ़ने के बाद दिलीप और स्वर्णिक के बीच कड़वी लड़ाई होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके सम्मान और गौरव की रक्षा करने का एकमात्र तरीका कुश और डिम्पल की शादी करवाना है। हालांकि कुश ने एक शर्त रखी कि वह डिम्पल से तभी शादी करेगा जब लव और प्याली को स्वीकार किया जाएगा। परिवार सहमत है, दोनों जोड़े एक उचित भव्य शादी का आनंद ले रहे हैं। वे हमेशा एक साथ खुशी से रहते हैं। ढालना कुश अग्निहोत्री के रूप में इमरान खान, डिम्पल डी दीक्षित के रूप में कैटरीना कैफ, लव अग्निहोत्री के रूप में अली जफर, प्याली पटेल के रूप में तारा डिसूजा, रॉबिन के रूप में सूफी मल्होत्रा, परीक्षित साहनी, कर्नल स्वर्ण अग्निहोत्री के रूप में दिलीप दीक्षित के रूप में कमलजीत सिंह, कनक अग्निहोत्री के रूप में सुपर्णा मारवाहा,
करमबीर चौधरी हरियाणवी लड़की के पिता के रूप में, लता दीक्षित के रूप में मरव शेख, अजय दीक्षित के रूप में अरफिन खान, शोविद के रूप में मोहम्मद जीशान, अयोग तारिक वासुदेव, रोहित के रूप में ब्रजेंद्र काला, सलमान भाई के रूप में जॉन अब्राहम, खुद के रूप में विशेष उपस्थिति में स्कॉटिश पर्यटक के रूप में यान फ्रेजर एयरपोर्ट गार्ड को धक्का दे रहा है। कायरा दत्त टाइटल ट्रैक में एक विशेष गीत में दिखाई देती है। गीत संगीत मेरे ब्रदर की दुल्हन द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम सोहेल सेन मुक्त 9 अगस्त 2011 रिकॉर्डेड 2011 YRF स्टूडियो सावा स्टूडियो मुंबई भारत। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 35 मिनट 21 सेकेंड लेवल YRF संगीत निर्माता सोहेल सेन। सोहेल सेन कालक्रम खेले हम जी जान से 2010 मेरे ब्रदर की दुल्हन 2011 एक था टाइगर 2012 फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक सोहेल सेन द्वारा रचित था जो व्हाट्स योर राशि 2009 बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं जो सोहेल सेन और इरशाद कामिल के बीच पहली बार काम कर रहे हैं। फिल्म में अली जफर ने एक गाना गाया है मधुबाला। कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया गीत बीते जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री मधुबाला को श्रद्धांजलि था। संगीत 9 अगस्त 2011 को जारी किया गया था। एल्बम में 6 मूल ट्रैक और 2 रिमिक्स शामिल हैं। गाना नंबर 1 मेरे ब्रदर की दुल्हन इस गाने के गायकार के सहायक गायक कृष्णा बेवरा हैं। गाना नंबर 2 धुन की इस गाने के गायकार नेहा वसीन हैं। गाना नंबर 3 चूमंतर इस गाने के गायकार बीनी दयाल और अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 4 इश्क जोखिम इस गाने के गायकार राहत फ़तेह अली खान हैं। गाना नंबर 5 मधुबाला इस गाने के गायकार अली जफर श्री रामचंद्र और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 6 दोधारी तलवार इस गाने के गायकार शाहिद माल्या और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 7 चूमंतर रीमिक्स इस गाने के गायकार बीनी दयाल अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 8 इश्क जोखिम जोखिम भरा मिश्रण इस गाने के गायकार श्री रामचंद्र और नेहा वसीन हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन अनुवाद माय ब्रदर की दुल्हन 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है और आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर और तारा डिसूजा है। फिल्म में डिंपल दीक्षित कैफ और लव अग्निहोत्री जफर की शादी होने वाली है, लेकिन मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब डिंपल और कुश खान शादी से पहले के दिनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं। निर्देशक अली अब्बास जफर द्वारा लिखित, अली अब्बास जफर द्वारा उत्पादित, आदित्य चोपड़ा अभिनीत, इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर, तारा डिसूजा, छायांकन सुदीप चटर्जी द्वारा संपादित, रितेश सोनी, संगीत दिया है सोहेल सेन, प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, रिलीज की तारीख 9 सितंबर 2011, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 220 मिलियन $, 2.8 मिलियन बॉक्स ऑफिस, 856 मिलियन $, 11 मिलियन। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने अगस्त 2010 में जफर के बाद विकास में प्रवेश किया, जो तब एक सहायक निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने यशराज के लिए 3-3 अलग पटकथाएँ लिखीं। उसके बाद जल्द ही खान और कैफ की भागीदारी की घोषणा की गई
न्यूयॉर्क 2009 के बाद यशराज और कैफ के लिए खान की पहली फिल्म और जफर की दूसरी फिल्म थी। जफर और डिसूजा को उनकी शुरुआती बॉलीवुड भूमिकाओं में काम पर रखने के साथ कास्टिंग पूरी की गई और प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2010 में शुरू हुई और नवंबर तक चली, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। रिलीज होने पर फिल्म को मेरी यार की शादी है 2002 और डैन इन रियल लाइफ 2007 से तुलना करते हुए साहित्यिक चोरी के आरोप मिले। मेरे ब्रदर की दुल्हन जुलाई 2011 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थगित कर दी गई। यह उसी वर्ष 9 सितंबर को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क द्वारा भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने दुनिया भर में 856 मिलियन यूएस डॉलर 11 मिलियन की कमाई की। यह 2011 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साउंडट्रैक और हास्य 57वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मेरे ब्रदर की दुल्हन को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैफ और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सोहेल सेन। कथानक लंदन में अपनी प्रेमिका प्याली पटेल ने नाता तोड़ने के बाद लव अग्निहोत्री ने अपने छोटे भाई कुश, जो मुंबई में एक सहायक फिल्म निर्देशक और फोटोग्राफर है, से उनके लिए दुल्हन खोजने का आग्रह किया। कुश अपने सेना के अनुभवी पिता कर्नल सेनानिवृत्त स्वयं अग्निहोत्री और गृहिणी माँ कनक से मिलने के लिए घर पहुँचते हैं और लव के लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने के लिए पूरे भारत में उनके साथ यात्रा करते हैं, लेकिन व्यर्थ। उसके दोस्त एक अखबार में इसका विज्ञापन करने का विचार लेकर आए। एक निश्चित दिलीप दीक्षित ने विज्ञापन का जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया कि वह अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश कर रहा है। हालांकि जब कुछ दीक्षित परिवार से मिलने के लिए अपने माता पिता के साथ दिल्ली की यात्रा करते हैं, तो वह यह जानकर चौंक जाते हैं कि भावी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि डिम्पल डी दीक्षित है, जिनसे वह 5 साल की उम्र में कॉलेज में एक मुठभेड़ के दौरान मिले थे। साल पहले अप्रिय और ज़ोरदार डिम्पल वह सब कुछ है जो कुछ नहीं है, लेकिन वह एक दृश्य नहीं बनाने की विनती करता है और उसे गठबंधन पर विचार करने के लिए कहता है। लव से मिलने के बाद डिम्पल उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उसका भाई अजय चाहता है कि उनकी शादी आगरा में ऐसी जगह हो जहाँ से ताजमहल दिखाई दे। हालांकि शादी की तैयारियों के दौरान कुछ को पता चलता है कि उसके मन में डिम्पल के लिए भावनाएं हैं और वह शुरू में उसे थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। बाद में वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता है और वे वापस लौटते हैं। लव को विचलित करने की योजना बनाते हैं। आखिरकार शादी की पूर्व संध्या पर डिम्पल आपसी मित्र प्याली को आगरा ले जाती है। लव यह जानकर कि वह अभी भी प्याली के लिए भावनाएं रखते हैं, दोनों अगले दिन भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लव तब अग्निहोत्री और दीक्षित परिवार को पत्र भेजकर उनके भाग जाने का कारण बताते हैं। पत्रों को पढ़ने के बाद दिलीप और स्वर्णिक के बीच कड़वी लड़ाई होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके सम्मान और गौरव की रक्षा करने का एकमात्र तरीका कुश और डिम्पल की शादी करवाना है। हालांकि कुश ने एक शर्त रखी कि वह डिम्पल से तभी शादी करेगा जब लव और प्याली को स्वीकार किया जाएगा। परिवार सहमत है, दोनों जोड़े एक उचित भव्य शादी का आनंद ले रहे हैं। वे हमेशा एक साथ खुशी से रहते हैं। ढालना कुश अग्निहोत्री के रूप में इमरान खान, डिम्पल डी दीक्षित के रूप में कैटरीना कैफ, लव अग्निहोत्री के रूप में अली जफर, प्याली पटेल के रूप में तारा डिसूजा, रॉबिन के रूप में सूफी मल्होत्रा, परीक्षित साहनी, कर्नल स्वर्ण अग्निहोत्री के रूप में दिलीप दीक्षित के रूप में कमलजीत सिंह, कनक अग्निहोत्री के रूप में सुपर्णा मारवाहा, करमवीर चौधरी हरियाणवी लड़की के पिता के रूप में लता दीक्षित के रूप में मरऊ शेख, अजय दीक्षित के रूप में अरफिन खान, शोभित के रूप में मोहम्मद जीशान अयोग, तारिक वासुदेव, रोहित के रूप में ब्रजेंद्र काला, सलमान भाई के रूप में जॉन अब्राहम, खुद के रूप में विशेष उपस्थिति में स्कॉटिश पर्यटक के रूप में यान फ्रेजर एयरपोर्ट गार्ड को धक्का दे रहा है। कायरा दत्त टाइटल ट्रैक में एक विशेष गीत में दिखाई देती है। गीत संगीत मेरे ब्रदर की दुल्हन द्वारा, साउंड ट्रैक एल्बम सोहेल सेन, मुक्त 9 अगस्त 2011।
रिकॉर्डेड 2011 YRF स्टूडियो सावा स्टूडियो मुंबई भारत। शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक। लंबाई 35 मिनट 21 सेकेंड। लेवल YRF संगीत। निर्माता सोहेल सेन। सोहेल सेन कालक्रम खेले हम जी जान से 2010, मेरे ब्रदर की दुल्हन 2011, एक था टाइगर 2012। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक सोहेल सेन द्वारा रचित था, जो व्हाट्स योर राशि 2009, बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं, जो सोहेल सेन और इरशाद कामिल के बीच पहली बार काम कर रहे हैं। फिल्म में अली जफर ने एक गाना गाया है, मधुबाला। कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया गीत बीते जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री मधुबाला को श्रद्धांजलि था। संगीत 9 अगस्त 2011 को जारी किया गया था। एल्बम में 6 मूल ट्रैक और 2 रिमिक्स शामिल हैं। गाना नंबर 1 मेरे ब्रदर की दुल्हन, इस गाने के गायकार के सहायक गायक कृष्णा बेवरा हैं। गाना नंबर 2 धुन की, इस गाने के गायकार नेहा वसीन हैं। गाना नंबर 3 चूमंतर, इस गाने के गायकार बीनी दयाल और अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 4 इश्क जोखिम, इस गाने के गायकार राहत फ़तेह अली खान हैं। गाना नंबर 5 मधुबाला, इस गाने के गायकार अली जफर श्री रामचंद्र और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 6 दोधारी तलवार, इस गाने के गायकार शाहिद माल्या और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 7 चूमंतर रीमिक्स, इस गाने के गायकार बीनी दयाल अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 8 इश्क जोखिम जोखिम भरा मिश्रण, इस गाने के गायकार श्री रामचंद्र और नेहा वसीन हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन अनुवाद माय ब्रदर की दुल्हन 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है और आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर और तारा डिसूजा है। फिल्म में डिंपल दीक्षित कैफ और लव अग्निहोत्री जफर की शादी होने वाली है, लेकिन मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब डिंपल और कुश खान शादी से पहले के दिनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं। निर्देशक अली अब्बास जफर द्वारा लिखित, अली अब्बास जफर द्वारा उत्पादित, आदित्य चोपड़ा अभिनीत, इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर, तारा डिसूजा, छायांकन सुदीप चटर्जी द्वारा संपादित, रितेश सोनी संगीत दिया है, सोहेल सेन प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क। रिलीज की तारीख 9 सितंबर 2011 कार्यकारी समय 145 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 220 मिलियन $, 2.8 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 856 मिलियन $, 11 मिलियन। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने अगस्त 2010 में जफर के बाद विकास में प्रवेश किया, जो तब एक सहायक निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने यशराज के लिए 3-3 अलग पटकथाएँ लिखीं। उसके बाद जल्द ही खान और कैफ की भागीदारी की घोषणा की गई। न्यूयॉर्क 2009 के बाद यशराज और कैफ के लिए खान की पहली फिल्म और जफर की दूसरी फिल्म थी। जफर और डिसूजा को उनकी शुरुआती बॉलीवुड भूमिकाओं में काम पर रखने के साथ कास्टिंग पूरी की गई और प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2010 में शुरू हुई और नवंबर तक चली, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। रिलीज होने पर फिल्म को मेरे यार की शादी है 2002 और डैन इन रियल लाइफ 2007 से तुलना करते हुए साहित्यिक चोरी के आरोप मिले।
मेरे ब्रदर की दुल्हन जुलाई 2011 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थगित कर दी गई। यह उसी वर्ष 9 सितंबर को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क द्वारा भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने दुनिया भर में 856 मिलियन $11 मिलियन की कमाई की। यह 2011 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक और हास्य 57वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मेरे ब्रदर की दुल्हन को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैफ और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सोहेल सेन। कथानक लंदन में अपनी प्रेमिका पियाली पटेल ने नाता तोड़ने के बाद लव अग्निहोत्री ने अपने छोटे भाई कुश, जो मुंबई में एक सहायक फिल्म निर्देशक और फोटोग्राफर है, से उनके लिए दुल्हन खोजने का आग्रह किया। कुश अपने सेना के अनुभवी पिता कर्नल सेनानिवृत्त स्वयं अग्निहोत्री और गृहिणी माँ कनक से मिलने के लिए घर पहुँचते हैं और लव के लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने के लिए पूरे भारत में उनके साथ यात्रा करते हैं, लेकिन व्यर्थ। उसके दोस्त एक अखबार में इसका विज्ञापन करने का विचार लेकर आए। एक निश्चित दिलीप दीक्षित ने विज्ञापन का जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया कि वह अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश कर रहा है। हालांकि जब कुछ दीक्षित परिवार से मिलने के लिए अपने माता पिता के साथ दिल्ली की यात्रा करते हैं, तो वह यह जानकर चौंक जाते हैं कि भावी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि डिम्पल डी दीक्षित है, जिनसे वह 5 साल की उम्र में कॉलेज में एक मुठभेड़ के दौरान मिले थे। साल पहले अप्रिय और ज़ोरदार डिम्पल वह सब कुछ है जो कुछ नहीं है, लेकिन वह एक दृश्य नहीं बनाने की विनती करता है और उसे गठबंधन पर विचार करने के लिए कहता है। लव से मिलने के बाद डिम्पल उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उसका भाई अजय चाहता है कि उनकी शादी आगरा में ऐसी जगह हो जहाँ से ताजमहल दिखाई दे। हालांकि शादी की तैयारियों के दौरान कुश को पता चलता है कि उसके मन में डिम्पल के लिए भावनाएं हैं और वह शुरू में उसे थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। बाद में वह भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता है और वे वापस लौटते हैं। लव को विचलित करने की योजना बनाते हैं। आखिरकार शादी की पूर्व संध्या पर डिम्पल आपसी मित्र प्याली को आगरा ले जाती है। लव यह जानकर कि वह अभी भी प्याली के लिए भावनाएं रखते हैं, दोनों अगले दिन भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लव तब अग्निहोत्री और दीक्षित परिवार को पत्र भेजकर उनके भाग जाने का कारण बताते हैं। पत्रों को पढ़ने के बाद दिलीप और स्वर्णिक के बीच कड़वी लड़ाई होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके सम्मान और गौरव की रक्षा करने का एकमात्र तरीका कुश और डिम्पल की शादी करवाना है। हालांकि कुश ने एक शर्त रखी कि वह डिम्पल से तभी शादी करेगा जब लव और प्याली को स्वीकार किया जाएगा। परिवार सहमत है, दोनों जोड़े एक उचित भव्य शादी का आनंद ले रहे हैं। वे हमेशा एक साथ खुशी से रहते हैं। ढालना कुश अग्निहोत्री के रूप में इमरान खान, डिम्पल डी दीक्षित के रूप में कैटरीना कैफ, लव अग्निहोत्री के रूप में अली जफर, प्याली पटेल के रूप में तारा डिसूजा, रॉबिन के रूप में सूफी मल्होत्रा, परीक्षित साहनी, कर्नल स्वर्ण अग्निहोत्री के रूप में दिलीप दीक्षित के रूप में कमलजीत सिंह, कनक अग्निहोत्री के रूप में सुपर्णा मारवाहा, करमवीर चौधरी हरियाणवी लड़की के पिता के रूप में लता दीक्षित के रूप में मरव शेख, अजय दीक्षित के रूप में अरफिन खान, शोभित के रूप में मोहम्मद जीशान अयूब, तारिक वासुदेव, रोहित के रूप में ब्रजेंद्र काला, सलमान भाई के रूप में जॉन अब्राहम, खुद के रूप में विशेष उपस्थिति में स्कॉटिश पर्यटक के रूप में यान प्रेजर एयरपोर्ट कार्ड को धक्का दे रहा है। कायरा दत्त टाइटल ट्रैक में एक विशेष गीत में दिखाई देती है। गीत संगीत मेरे ब्रदर की दुल्हन द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम सोहेल सेन मुक्त 9 अगस्त 2011 रिकॉर्डेड 2011 YRF स्टूडियो सावा स्टूडियो मुंबई भारत। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 35 मिनट 21 सेकेंड लेवल YRF संगीत निर्माता सोहेल सेन कालक्रम खेले हम जी जान से 2010 मेरे ब्रदर की दुल्हन 2011 एक था टाइगर 2012 फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक सोहेल सेन द्वारा रचित था, जो व्हाट्स योर राशि 2009 बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं, जो सोहेल सेन और इरशाद कामिल के बीच पहली बार
काम कर रहे हैं। फिल्म में अली जफर ने एक गाना गाया है मधुबाला। कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया गीत बीते जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री मधुबाला को श्रद्धांजलि था। संगीत 9 अगस्त 2011 को जारी किया गया था। एल्बम में 6 मूल ट्रैक और 2 रिमिक्स शामिल हैं। गाना नंबर 1 मेरे ब्रदर की दुल्हन इस गाने के गायकार के सहायक गायक कृष्णा बेवड़ा हैं। गाना नंबर 2 धुनकी इस गाने के गायकार नेहा वसीन हैं। गाना नंबर 3 चूमंतर इस गाने के गायकार बीनी दयाल और अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 4 इश्क जोखिम इस गाने के गायकार राहत फ़तेह अली खान हैं। गाना नंबर 5 मधुबाला इस गाने के गायकार अली जफर श्री रामचंद्र और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 6 दोधारी तलवार इस गाने के गायकार शाहिद माल्या और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 7 चूमंतर रीमिक्स इस गाने के गायकार बीनी दयाल अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 8 इश्क जोखिम जोखिम भरा मिश्रण इस गाने के गायकार श्री रामचंद्र और नेहा वसीन हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन अनुवाद माय ब्रदर की दुल्हन 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है और आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर और तारा डिसूजा है। फिल्म में डिंपल दीक्षित कैफ और लव अग्निहोत्री जफर की शादी होने वाली है, लेकिन मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब डिंपल और कुश खान शादी से पहले के दिनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं। निर्देशक अली अब्बास जफर द्वारा लिखित, अली अब्बास जफर द्वारा उत्पादित, आदित्य चोपड़ा अभिनीत, इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर, तारा डिसूजा, छायांकन सुदीप चटर्जी द्वारा संपादित, रितेश सोनी, संगीत दिया है सोहेल सेन, प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, रिलीज की तारीख 9 सितंबर 2011, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 220 मिलियन $, 2.8 मिलियन बॉक्स ऑफिस, 856 मिलियन $, 11 मिलियन। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने अगस्त 2010 में जफर के बाद विकास में प्रवेश किया, जो तब एक सहायक निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने यशराज के लिए 3-3 अलग पटकथाएँ लिखीं। उसके बाद जल्द ही खान और कैफ की भागीदारी की घोषणा की गई। न्यूयॉर्क 2009 के बाद यशराज और कैफ के लिए खान की पहली फिल्म और जफर की दूसरी फिल्म थी। जफर और डिसूजा को उनकी शुरुआती बॉलीवुड भूमिकाओं में काम पर रखने के साथ कास्टिंग पूरी की गई और प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2010 में शुरू हुई और नवंबर तक चली, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। रिलीज होने पर फिल्म को मेरे यार की शादी है 2002 और डैन इन रियल लाइफ 2007 से तुलना करते हुए साहित्यिक चोरी के आरोप मिले। मेरे ब्रदर की दुल्हन जुलाई 2011 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थगित कर दी गई। यह उसी वर्ष 9 सितंबर को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क द्वारा भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने दुनिया भर में 856 मिलियन $, 11 मिलियन की कमाई की। यह 2011 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक और हास्य 57वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में
मेरे ब्रदर की दुल्हन को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैफ और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सोहेल सेन। कथानक लंदन में अपनी प्रेमिका प्याली पटेल ने नाता तोड़ने के बाद लव अग्निहोत्री ने अपने छोटे भाई कुश, जो मुंबई में एक सहायक फिल्म निर्देशक और फोटोग्राफर है, से उनके लिए दुल्हन खोजने का आग्रह किया। कुश अपने सेना के अनुभवी पिता कर्नल सेनानिवृत्त स्वयं अग्निहोत्री और गृहिणी माँ कनक से मिलने के लिए घर पहुँचते हैं और लव के लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने के लिए पूरे भारत में उनके साथ यात्रा करते हैं। लेकिन व्यर्थ, उसके दोस्त एक अखबार में इसका विज्ञापन करने का विचार लेकर आए। एक निश्चित दिलीप दीक्षित ने विज्ञापन का जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया कि वह अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश कर रहा है। हालांकि जब कुछ दीक्षित परिवार से मिलने के लिए अपने माता पिता के साथ दिल्ली की यात्रा करते हैं, तो वह यह जानकर चौंक जाते हैं कि भावी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि डिम्पल डी दीक्षित है, जिनसे वह 5 साल की उम्र में कॉलेज में एक मुठभेड़ के दौरान मिले थे। साल पहले अप्रिय और जोरदार डिम्पल वह सब कुछ है जो कुछ नहीं है, लेकिन वह एक दृश्य नहीं बनाने की विनती करता है और उसे गठबंधन पर विचार करने के लिए कहता है। लव से मिलने के बाद डिम्पल उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उसका भाई अजय चाहता है कि उनकी शादी आगरा में ऐसी जगह हो जहाँ से ताजमहल दिखाई दे। हालांकि शादी की तैयारियों के दौरान कुश को पता चलता है कि उसके मन में डिम्पल के लिए भावनाएं हैं और वह शुरू में उसे थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। बाद में वह भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता है और वे वापस लौटते हैं। लव को विचलित करने की योजना बनाते हैं। आखिरकार शादी की पूर्व संध्या पर डिम्पल आपसी मित्र प्याली को आगरा ले जाती है। लव यह जानकर कि वह अभी भी प्याली के लिए भावनाएं रखते हैं, दोनों अगले दिन भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लव तब अग्निहोत्री और दीक्षित परिवार को पत्र भेजकर उनके भाग जाने का कारण बताते हैं। पत्रों को पढ़ने के बाद दिलीप और स्वर्णिक के बीच कड़वी लड़ाई होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके सम्मान और गौरव की रक्षा करने का एकमात्र तरीका कुश और डिम्पल की शादी करवाना है। हालांकि कुश ने एक शर्त रखी कि वह डिम्पल से तभी शादी करेगा जब लव और प्याली को स्वीकार किया जाएगा। परिवार सहमत है, दोनों जोड़े एक उचित भव्य शादी का आनंद ले रहे हैं। वे हमेशा एक साथ खुशी से रहते हैं। ढालना, कुश अग्निहोत्री के रूप में इमरान खान, डिम्पल डी दीक्षित के रूप में कैटरीना कैफ, लव अग्निहोत्री के रूप में अली जफर, प्याली पटेल के रूप में तारा डिसूजा, रॉबिन के रूप में सूफी मल्होत्रा, परीक्षित साहनी, कर्नल स्वर्ण अग्निहोत्री के रूप में दिलीप दीक्षित के रूप में कमलजीत सिंह, कनक अग्निहोत्री के रूप में सुपर्णा मारवाहा, करमवीर चौधरी हरियाणवी लड़की के पिता के रूप में लता दीक्षित के रूप में मरऊ शेख, अजय दीक्षित के रूप में अरफिन खान, शोभित के रूप में मोहम्मद जीशान अयूब, तारिक वासुदेव, रोहित के रूप में ब्रजेंद्र काला, सलमान भाई के रूप में जॉन अब्राहम, खुद के रूप में विशेष उपस्थिति में स्कॉटिश पर्यटक के रूप में यान फ्रेजर एयरपोर्ट कार्ड को धक्का दे रहा है। कायरा दत्त टाइटल ट्रैक में एक विशेष गीत में दिखाई देती है। गीत संगीत मेरे ब्रदर की दुल्हन द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम सोहेल सेन मुक्त 9 अगस्त 2011 रिकॉर्डेड 2011 YRF स्टूडियो सावा स्टूडियो मुंबई भारत। शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 35 मिनट 21 सेकेंड लेवल YRF संगीत निर्माता सोहेल सेन कालक्रम खेले हम जी जान से 2010 मेरे ब्रदर की दुल्हन 2011 एक था टाइगर 2012 फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक सोहेल सेन द्वारा रचित था, जो व्हाट्स योर राशि 2009 बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं, जो सोहेल सेन और इरशाद कामिल के बीच पहली बार काम कर रहे हैं। फिल्म में अली जफर ने एक गाना गाया है। मधुबाला कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया गीत बीते जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री मधुबाला को श्रद्धांजलि था। संगीत 9 अगस्त 2011 को जारी किया गया था। एल्बम में 6 मूल ट्रैक और 2 रिमिक्स शामिल हैं। गाना नंबर 1 मेरे ब्रदर की दुल्हन इस गाने के गायकार के सहायक गायक कृष्णा बेवरा हैं। गाना नंबर 2 धुन की इस गाने के गायकार नेहा वसीन हैं। गाना नंबर 3 चूमंतर इस गाने के गायकार बीनी दयाल
और अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 4 इश्क जोखिम, इस गाने के गायकार राहत फ़तेह अली खान हैं। गाना नंबर 5 मधुबाला, इस गाने के गायकार अली जफ़र, श्री रामचंद्र और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 6 दोधारी तलवार, इस गाने के गायकार शाहिद माल्या और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 7 चुमंतर रिमिक्स, इस गाने के गायकार बेनी दयाल अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 8 इश्क जोखिम जोखिम भरा मिश्रण, इस गाने के गायकार श्री रामचंद्र और नेहा वसीन हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन अनुवाद माय ब्रदर की दुल्हन 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है और आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर और तारा डिसूजा है। फिल्म में डिंपल दीक्षित कैफ और लव अग्निहोत्री जफर की शादी होने वाली है, लेकिन मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब डिंपल और कुश खान शादी से पहले के दिनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं। निर्देशक अली अब्बास जफर द्वारा लिखित, अली अब्बास जफर द्वारा उत्पादित, आदित्य चोपड़ा अभिनीत, इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर, तारा डिसूजा, छायांकन सुदीप चटर्जी द्वारा संपादित, रितेश सोनी, संगीत दिया है सोहेल सेन, प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, रिलीज की तारीख 9 सितंबर 2011, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 220 मिलियन $, 2.8 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 856 मिलियन $, 11 मिलियन। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने अगस्त 2010 में जफर के बाद विकास में प्रवेश किया, जो तब एक सहायक निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने यशराज के लिए 3-3 अलग पटकथाएँ लिखीं। उसके बाद जल्द ही खान और कैफ की भागीदारी की घोषणा की गई। न्यूयॉर्क 2009 के बाद यशराज और कैफ के लिए खान की पहली फिल्म और जफर की दूसरी फिल्म थी। जफर और डिसूजा को उनकी शुरुआती बॉलीवुड भूमिकाओं में काम पर रखने के साथ कास्टिंग पूरी की गई और प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2010 में शुरू हुई और नवंबर तक चली, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। रिलीज होने पर फिल्म को मेरे यार की शादी है 2002 और डैन इन रियल लाइफ 2007 से तुलना करते हुए साहित्यिक चोरी के आरोप मिले। मेरे ब्रदर की दुल्हन जुलाई 2011 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थगित कर दी गई। यह उसी वर्ष 9 सितंबर को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क द्वारा भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने दुनिया भर में 856 मिलियन $, 11 मिलियन की कमाई की। यह 2011 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक और हास्य 57वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मेरे ब्रदर की दुल्हन को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैफ और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सोहेल सेन। कथानक लंदन में अपनी प्रेमिका प्याली पटेल ने नाता तोड़ने के बाद लव अग्निहोत्री ने अपने छोटे भाई कुश, जो मुंबई में एक सहायक फिल्म निर्देशक और फोटोग्राफर है, से उनके लिए दुल्हन खोजने का आग्रह किया। कुश अपने सेना के अनुभवी पिता कर्नल सेनानिवृत्त स्वयं अग्निहोत्री और गृहिणी माँ कनक से मिलने के लिए घर पहुँचते हैं और लव के लिए उपयुक्त दुल्हन
खोजने के लिए पूरे भारत में उनके साथ यात्रा करते हैं, लेकिन व्यर्थ। उसके दोस्त एक अखबार में इसका विज्ञापन करने का विचार लेकर आए। एक निश्चित दिलीप दीक्षित ने विज्ञापन का जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया कि वह अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश कर रहा है। हालांकि जब कुछ दीक्षित परिवार से मिलने के लिए अपने माता पिता के साथ दिल्ली की यात्रा करते हैं, तो वह यह जानकर चौंक जाते हैं कि भावी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि डिम्पल डी दीक्षित है, जिनसे वह 5वें साल पहले 5 साल की उम्र में कॉलेज में एक मुठभेड़ के दौरान मिले थे। साल पहले अप्रिय और ज़ोरदार डिम्पल वह सब कुछ है जो कुछ नहीं है, लेकिन वह एक दृश्य नहीं बनाने की विनती करता है और उसे गठबंधन पर विचार करने के लिए कहता है। लव से मिलने के बाद डिम्पल उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उसका भाई अजय चाहता है कि उनकी शादी आगरा में ऐसी जगह हो जहाँ से ताजमहल दिखाई दे। हालांकि शादी की तैयारियों के दौरान कुछ को पता चलता है कि उसके मन में डिम्पल के लिए भावनाएं हैं, और वह शुरू में उसे थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। बाद में वह भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता है और वे वापस लौटते हैं। लव को विचलित करने की योजना बनाते हैं। आखिरकार शादी की पूर्व संध्या पर डिम्पल आपसी मित्र प्याली को आगरा ले जाती है। लव यह जानकर कि वह अभी भी प्याली के लिए भावनाएं रखते हैं, दोनों अगले दिन भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लव तब अग्निहोत्री और दीक्षित परिवार को पत्र भेजकर उनके भाग जाने का कारण बताते हैं। पत्रों को पढ़ने के बाद दिलीप और स्वर्णिक के बीच कड़वी लड़ाई होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके सम्मान और गौरव की रक्षा करने का एकमात्र तरीका कुश और डिम्पल की शादी करवाना है। हालांकि कुश ने एक शर्त रखी कि वह डिम्पल से तभी शादी करेगा जब लव और प्याली को स्वीकार किया जाएगा। परिवार सहमत है, दोनों जोड़े एक उचित भव्य शादी का आनंद ले रहे हैं। वे हमेशा एक साथ खुशी से रहते हैं। ढालना, कुश अग्निहोत्री के रूप में इमरान खान, डिम्पल डी दीक्षित के रूप में कैटरीना कैफ, लव अग्निहोत्री के रूप में अली जफर, प्याली पटेल के रूप में तारा डिसूजा, रॉबिन के रूप में सूफी मल्होत्रा, परीक्षित साहनी, कर्नल स्वर्ण अग्निहोत्री के रूप में दिलीप दीक्षित के रूप में कमलजीत सिंह, कनक अग्निहोत्री के रूप में सुपर्णा मारवाहा, करमवीर चौधरी हरियाणवी लड़की के पिता के रूप में लता दीक्षित के रूप में मरव शेख, अजय दीक्षित के रूप में अरफिन खान, शोभित के रूप में मोहम्मद जीशान अयूब, तारिक वासुदेव, रोहित के रूप में ब्रजेंद्र काला, सलमान भाई के रूप में जॉन अब्राहम, खुद के रूप में विशेष उपस्थिति में स्कॉटिश पर्यटक के रूप में यान फ्रेजर एयरपोर्ट गार्ड को धक्का दे रहा है। कायरा दत्त टाइटल ट्रैक में एक विशेष गीत में दिखाई देती है। गीत संगीत मेरे ब्रदर की दुल्हन द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम सोहेल सेन मुक्त 9 अगस्त 2011 रिकॉर्डेड 2011 YRF स्टूडियो सावा स्टूडियो मुंबई भारत। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 35 मिनट 21 सेकेंड लेवल YRF संगीत निर्माता सोहेल सेन कालक्रम खेले हम जी जान से 2010 मेरे ब्रदर की दुल्हन 2011 एक था टाइगर 2012 फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक सोहेल सेन द्वारा रचित था जो व्हाट्स योर राशि 2009 बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं जो सोहेल सेन और इरशाद कामिल के बीच पहली बार काम कर रहे हैं। फिल्म में अली जफर ने एक गाना गाया है। मधुबाला कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया गीत बीते जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री मधुबाला को श्रद्धांजलि था। संगीत 9 अगस्त 2011 को जारी किया गया था। एल्बम में 6 मूल ट्रैक और 2 रिमिक्स शामिल हैं। गाना नंबर 1 मेरे ब्रदर की दुल्हन इस गाने के गायकार के सहायक गायक कृष्णा बेवरा हैं। गाना नंबर 2 धुन की इस गाने के गायकार नेहा वसीन हैं। गाना नंबर 3 चूमंतर इस गाने के गायकार बीनी दयाल और अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 4 इश्क जोखिम इस गाने के गायकार राहत फतेह अली खान हैं। गाना नंबर 5 मधुबाला इस गाने के गायकार अली जफर, श्री रामचंद्र और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 6 दोधारी तलवार इस गाने के गायकार शाहिद माल्या और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 7 चूमंतर रिमिक्स इस गाने के गायकार बीनी दयाल अदिति सिंह शर्मा हैं।
गाना नंबर 8 इश्क जोखिम जोखिम भरा मिश्रण। इस गाने के गायकार श्री रामचंद्र और नेहा वसीन हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन अनुवाद माय ब्रदर की दुल्हन 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है और आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर और तारा डिसूजा है। फिल्म में डिंपल दीक्षित कैफ और लव अग्निहोत्री जफर की शादी होने वाली है, लेकिन मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब डिंपल और कुश खान शादी से पहले के दिनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं। निर्देशक अली अब्बास जफर द्वारा लिखित, अली अब्बास जफर द्वारा उत्पादित, आदित्य चोपड़ा अभिनीत, इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर, तारा डिसूजा, छायांकन सुदीप चटर्जी द्वारा संपादित, रितेश सोनी, संगीत दिया है सोहेल सेन, प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, रिलीज की तारीख 9 सितंबर 2011, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 220 मिलियन $, 2.8 मिलियन बॉक्स ऑफिस, 856 मिलियन $, 11 मिलियन। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने अगस्त 2010 में जफर के बाद विकास में प्रवेश किया, जो तब एक सहायक निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने यशराज के लिए 3-3 अलग पटकथाएँ लिखीं। उसके बाद जल्द ही खान और कैफ की भागीदारी की घोषणा की गई। न्यूयॉर्क 2009 के बाद यशराज और कैफ के लिए खान की पहली फिल्म और जफर की दूसरी फिल्म थी। जफर और डिसूजा को उनकी शुरुआती बॉलीवुड भूमिकाओं में काम पर रखने के साथ कास्टिंग पूरी की गई और प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2010 में शुरू हुई और नवंबर तक चली, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। रिलीज होने पर फिल्म को मेरे यार की शादी है 2002 और डैन इन रियल लाइफ 2007 से तुलना करते हुए साहित्यिक चोरी के आरोप मिले। मेरे ब्रदर की दुल्हन जुलाई 2011 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थगित कर दी गई। यह उसी वर्ष 9 सितंबर को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क द्वारा भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने दुनिया भर में 856 मिलियन $, 11 मिलियन की कमाई की। यह 2011 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक और हास्य 57वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मेरे ब्रदर की दुल्हन को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैफ और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सोहेल सेन। कथानक लंदन में अपनी प्रेमिका प्याली पटेल ने नाता तोड़ने के बाद लव अग्निहोत्री ने अपने छोटे भाई कुश, जो मुंबई में एक सहायक फिल्म निर्देशक और फोटोग्राफर है, से उनके लिए दुल्हन खोजने का आग्रह किया। कुश अपने सेना के अनुभवी पिता कर्नल सेनानिवृत्त स्वयं अग्निहोत्री और गृहिणी माँ कनक से मिलने के लिए घर पहुँचते हैं और लव के लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने के लिए पूरे भारत में उनके साथ यात्रा करते हैं, लेकिन व्यर्थ। उसके दोस्त एक अखबार में इसका विज्ञापन करने का विचार लेकर आए। एक निश्चित दिलीप दीक्षित ने विज्ञापन का जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया कि वह अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश कर रहा है। हालांकि जब कुछ दीक्षित परिवार से मिलने के लिए अपने माता पिता के साथ दिल्ली की यात्रा करते हैं, तो वह यह जानकर चौंक जाते हैं कि भावी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि डिंपल डी दीक्षित है।
जिनसे वह 5वें साल पहले 5 साल की उम्र में एक कॉलेज में एक मुठभेड़ के दौरान मिले थे। साल पहले अप्रिय और जोरदार डिंपल वह सब कुछ है जो कुछ नहीं है, लेकिन वह एक दृश्य नहीं बनाने की विनती करता है और उसे गठबंधन पर विचार करने के लिए कहता है। लव से मिलने के बाद डिंपल उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उसका भाई अजय चाहता है कि उनकी शादी आगरा में ऐसी जगह हो जहाँ से ताजमहल दिखाई दे। हालांकि शादी की तैयारियों के दौरान कुश को पता चलता है कि उसके मन में डिंपल के लिए भावनाएं हैं और वह शुरू में उसे थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। बाद में वह भागने की कोशिश करते हैं लेकिन यह काम नहीं करता है और वे वापस लौटते हैं। लव को विचलित करने की योजना बनाते हैं। आखिरकार शादी की पूर्व संध्या पर डिंपल आपसी मित्र प्याली को आगरा ले जाती है। लव यह जानकर कि वह अभी भी प्याली के लिए भावनाएं रखते हैं, दोनों अगले दिन भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लव तब अग्निहोत्री और दीक्षित परिवार को पत्र भेजकर उनके भाग जाने का कारण बताते हैं। पत्रों को पढ़ने के बाद दिलीप और स्वर्णिक के बीच कड़वी लड़ाई होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके सम्मान और गौरव की रक्षा करने का एकमात्र तरीका कुश और डिंपल की शादी करवाना है। हालांकि कुश ने एक शर्त रखी कि वह डिंपल से तभी शादी करेगा जब लव और प्याली को स्वीकार किया जाएगा। परिवार सहमत है, दोनों जोड़े एक उचित भव्य शादी का आनंद ले रहे हैं। वे हमेशा एक साथ खुशी से रहते हैं। ढालना, कुश अग्निहोत्री के रूप में इमरान खान, डिंपल डी दीक्षित के रूप में कैटरीना कैफ, लव अग्निहोत्री के रूप में अली जफर, प्याली पटेल के रूप में तारा डिसूजा, रॉबिन के रूप में सूफी मल्होत्रा, परीक्षित साहनी, कर्नल स्वर्ण अग्निहोत्री के रूप में दिलीप दीक्षित के रूप में कमलजीत सिंह, कनक अग्निहोत्री के रूप में सुपर्णा मारवाहा, करमवीर चौधरी हरियाणवी लड़की के पिता के रूप में लता दीक्षित के रूप में मरव शेख, अजय दीक्षित के रूप में अरफिन खान, शोभित के रूप में मोहम्मद जीशान अयोग, तारिक वासुदेव, रोहित के रूप में ब्रजेंद्र काला, सलमान भाई के रूप में जॉन अब्राहम, खुद के रूप में विशेष उपस्थिति में स्कॉटिश पर्यटक के रूप में यान फ्रेजर एयरपोर्ट कार्ड को धक्का दे रहा है। कायरा दत्त टाइटल ट्रैक में एक विशेष गीत में दिखाई देती है। गीत संगीत मेरे ब्रदर की दुल्हन द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम सोहेल सेन मुक्त 9 अगस्त 2011 रिकॉर्डेड 2011 YRF स्टूडियो सावा स्टूडियो मुंबई भारत। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 35 मिनट 21 सेकेंड लेवल YRF संगीत निर्माता सोहेल सेन सोहेल सेन कालक्रम खेले हम जी जान से 2010 मेरे ब्रदर की दुल्हन 2011 एक था टाइगर 2012 फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक सोहेल सेन द्वारा रचित था जो व्हाट्स योर राशि 2009 बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं जो सोहेल सेन और इरशाद कामिल के बीच पहली बार काम कर रहे हैं। फिल्म में अली जफर ने एक गाना गाया है। मधुबाला कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया गीत बीते जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री मधुबाला को श्रद्धांजलि था। संगीत 9 अगस्त 2011 को जारी किया गया था। एल्बम में 6 मूल ट्रैक और 2 रिमिक्स शामिल हैं। गाना नंबर 1 मेरे ब्रदर की दुल्हन इस गाने के गायकार के सहायक गायक कृष्णा बेवरा हैं। गाना नंबर 2 धुन की इस गाने के गायकार नेहा वसीन हैं। गाना नंबर 3 चूमंतर इस गाने के गायकार बीनी दयाल और अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 4 इश्क जोखिम इस गाने के गायकार राहत फ़तेह अली खान हैं। गाना नंबर 5 मधुबाला इस गाने के गायकार अली जफर श्री रामचंद्र और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 6 दोधारी तलवार इस गाने के गायकार शाहिद माल्या और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 7 चूमंतर रीमिक्स इस गाने के गायकार बीनी दयाल अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 8 इश्क जोखिम जोखिम भरा मिश्रण इस गाने के गायकार श्री रामचंद्र और नेहा वसीन हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों
आपको बता दें कि आज हम आपको मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन अनुवाद माय ब्रदर की दुल्हन 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है और आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर और तारा डिसूजा है। फिल्म में डिम्पल दीक्षित कैफ और लव अग्निहोत्री जफर की शादी होने वाली है, लेकिन मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब डिम्पल और कुश खान शादी से पहले के दिनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं। निर्देशक अली अब्बास जफर द्वारा लिखित, अली अब्बास जफर द्वारा उत्पादित, आदित्य चोपड़ा, अभिनीत इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर, तारा डिसूजा, छायांकन सुदीप चटर्जी द्वारा संपादित, रितेश सोनी, संगीत दिया है सोहेल सेन, प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, रिलीज की तारीख 9 सितंबर 2011, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 220 मिलियन $2.8 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 856 मिलियन $11 मिलियन। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने अगस्त 2010 में जफर के बाद विकास में प्रवेश किया, जो तब एक सहायक निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने यशराज के लिए 3-3 अलग पटकथाएँ लिखीं। उसके बाद जल्द ही खान और कैफ की भागीदारी की घोषणा की गई। न्यूयॉर्क 2009 के बाद यशराज और कैफ के लिए खान की पहली फिल्म और जफर की दूसरी फिल्म थी। जफर और डिसूजा को उनकी शुरुआती बॉलीवुड भूमिकाओं में काम पर रखने के साथ कास्टिंग पूरी की गई और प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2010 में शुरू हुई और नवंबर तक चली, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। रिलीज होने पर फिल्म को मेरी यार की शादी है 2002 और डैन इन रियल लाइफ 2007 से तुलना करते हुए साहित्यिक चोरी के आरोप मिले। मेरे ब्रदर की दुल्हन जुलाई 2011 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थगित कर दी गई। यह उसी वर्ष 9 सितंबर को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क द्वारा भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने दुनिया भर में 856 मिलियन $11 मिलियन की कमाई की। यह 2011 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक और हाथ से 57वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मेरे ब्रदर की दुल्हन को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैफ और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सोहेल सेन। कथानक लंदन में अपनी प्रेमिका प्याली पटेल ने नाता तोड़ने के बाद लव अग्निहोत्री ने अपने छोटे भाई कुश, जो मुंबई में एक सहायक फिल्म निर्देशक और फोटोग्राफर है, से उनके लिए दुल्हन खोजने का आग्रह किया। कुश अपने सेना के अनुभवी पिता कर्नल सेनानिवृत्त स्वयं अग्निहोत्री और गृहिणी माँ कनक से मिलने के लिए घर पहुँचते हैं और लव के लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने के लिए पूरे भारत में उनके साथ यात्रा करते हैं, लेकिन व्यर्थ। उसके दोस्त एक अखबार में इसका विज्ञापन करने का विचार लेकर आए। एक निश्चित दिलीप दीक्षित ने विज्ञापन का जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया कि वह अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश कर रहा है। हालांकि जब कुछ दीक्षित परिवार से मिलने के लिए अपने माता पिता के साथ दिल्ली की यात्रा करते हैं, तो वह यह जानकर चौंक जाते हैं कि भावी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि डिम्पल डी दीक्षित है, जिनसे वह 5 साल की उम्र में कॉलेज में एक मुठभेड़ के दौरान मिले थे। साल पहले अप्रिय और ज़ोरदार डिम्पल वह सब कुछ है जो कुछ नहीं है, लेकिन वह एक दृश्य नहीं बनाने की विनती करता है और उसे गठबंधन पर विचार करने के लिए कहता है। लव से मिलने के बाद डिम्पल उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उसका भाई अजय चाहता है कि उनकी शादी आगरा में ऐसी जगह हो जहाँ से ताजमहल दिखाई दे।
हालांकि शादी की तैयारियों के दौरान कुश को पता चलता है कि उसके मन में डिंपल के लिए भावनाएं हैं और वह शुरू में उसे थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। बाद में वे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन यह काम नहीं करता है और वे वापस लौटते हैं। लव को विचलित करने की योजना बनाते हैं। आखिरकार शादी की पूर्व संध्या पर डिंपल आपसी मित्र प्याली को आगरा ले जाती है। लव यह जानकर कि वह अभी भी प्याली के लिए भावनाएं रखते हैं, दोनों अगले दिन भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लव तब अग्निहोत्री और दीक्षित परिवार को पत्र भेजकर उनके भाग जाने का कारण बताते हैं। पत्रों को पढ़ने के बाद दिलीप और स्वर्णिक के बीच कड़वी लड़ाई होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके सम्मान और गौरव की रक्षा करने का एकमात्र तरीका कुश और डिंपल की शादी करवाना है। हालांकि कुश ने एक शर्त रखी कि वह डिंपल से तभी शादी करेगा जब लव और प्याली को स्वीकार किया जाएगा। परिवार सहमत है, दोनों जोड़े एक उचित भव्य शादी का आनंद ले रहे हैं। वे हमेशा एक साथ खुशी से रहते हैं। ढालना, कुश अग्निहोत्री के रूप में इमरान खान, डिंपल डी दीक्षित के रूप में कैटरीना कैफ, लव अग्निहोत्री के रूप में अली जफर, प्याली पटेल के रूप में तारा डिसूजा, रॉबिन के रूप में सूफी मल्होत्रा, परीक्षित साहनी, कर्नल स्वर्ण अग्निहोत्री के रूप में दिलीप दीक्षित के रूप में कमलजीत सिंह, कनक अग्निहोत्री के रूप में सुपर्णा मारवाहा, करमवीर चौधरी हरियाणवी लड़की के पिता के रूप में लता दीक्षित के रूप में मरऊ शेख, अजय दीक्षित के रूप में अरफिन खान, शोभित के रूप में मोहम्मद जीशान अयोग, तारिक वासुदेव, रोहित के रूप में ब्रजेंद्र काला, सलमान भाई के रूप में जॉन अब्राहम, खुद के रूप में विशेष उपस्थिति में स्कॉटिश पर्यटक के रूप में यान प्रेजर एयरपोर्ट कार्ड को धक्का दे रहा है। कायरा दत्त टाइटल ट्रैक में एक विशेष गीत में दिखाई देती है। गीत संगीत मेरे ब्रदर की दुल्हन द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम सोहेल सेन मुक्त 9 अगस्त 2011 रिकॉर्डेड 2011 YRF स्टूडियो सावा स्टूडियो मुंबई भारत। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 35 मिनट 21 सेकेंड लेवल YRF संगीत निर्माता सोहेल सेन। सोहेल सेन कालक्रम खेले हम जी जान से 2010 मेरे ब्रदर की दुल्हन 2011 एक था टाइगर 2012 फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक सोहेल सेन द्वारा रचित था जो व्हाट्स योर राशि 2009 बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं जो सोहेल सेन और इरशाद कामिल के बीच पहली बार काम कर रहे हैं। फिल्म में अली जफर ने एक गाना गाया है मधुबाला। कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया गीत बीते जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री मधुबाला को श्रद्धांजलि था। संगीत 9 अगस्त 2011 को जारी किया गया था। एल्बम में 6 मूल ट्रैक और 2 रिमिक्स शामिल हैं। गाना नंबर 1 मेरे ब्रदर की दुल्हन इस गाने के गायकार के सहायक गायक कृष्णा बेवरा हैं। गाना नंबर 2 धुन की इस गाने के गायकार नेहा वसीन हैं। गाना नंबर 3 चूमंतर इस गाने के गायकार बीनी दयाल और अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 4 इश्क जोखिम इस गाने के गायकार राहत फतेह अली खान हैं। गाना नंबर 5 मधुबाला इस गाने के गायकार अली जफर, श्री रामचंद्र और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 6 दोधारी तलवार इस गाने के गायकार शाहिद माल्या और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 7 चूमंतर रीमिक्स इस गाने के गायकार बीनी दयाल अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 8 इश्क जोखिम जोखिम भरा मिश्रण इस गाने के गायकार श्री रामचंद्र और नेहा वसीन हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद।
मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन अनुवाद माय ब्रदर की दुल्हन 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है और आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर और तारा डिसूजा है। फिल्म में डिम्पल दीक्षित, कैफ और लव अग्निहोत्री, जफर की शादी होने वाली है, लेकिन मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब डिम्पल और कुश खान शादी से पहले के दिनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं। निर्देशक अली अब्बास जफर द्वारा लिखित, अली अब्बास जफर द्वारा उत्पादित, आदित्य चोपड़ा, अभिनीत इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर, तारा डिसूजा, छायांकन सुदीप चटर्जी द्वारा संपादित, रितेश सोनी, संगीत दिया है सोहेल सेन, प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, रिलीज की तारीख 9 सितंबर 2011, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 220 मिलियन $2.8 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 856 मिलियन $11 मिलियन, 11 मिलियन। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने अगस्त 2010 में जफर के बाद विकास में प्रवेश किया, जो तब एक सहायक निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने यशराज के लिए 3-3 अलग पटकथाएँ लिखीं। उसके बाद जल्द ही खान और कैफ की भागीदारी की घोषणा की गई। न्यूयॉर्क 2009 के बाद यशराज और कैफ के लिए खान की पहली फिल्म और जफर की दूसरी फिल्म थी। जफर और डिसूजा को उनकी शुरुआती बॉलीवुड भूमिकाओं में काम पर रखने के साथ कास्टिंग पूरी की गई और प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2010 में शुरू हुई और नवंबर तक चली, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। रिलीज होने पर फिल्म को मेरी यार की शादी है 2002 और डैन इन रियल लाइफ 2007 से तुलना करते हुए साहित्यिक चोरी के आरोप मिले। मेरे ब्रदर की दुल्हन जुलाई 2011 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थगित कर दी गई। यह उसी वर्ष 9 सितंबर को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क द्वारा भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने दुनिया भर में 856 मिलियन $11 मिलियन, 11 मिलियन की कमाई की। यह 2011 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साउंडट्रैक और हास्य 57वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मेरे ब्रदर की दुल्हन को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैफ और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सोहेल सेन। कथानक लंदन में अपनी प्रेमिका प्याली पटेल ने नाता तोड़ने के बाद लव अग्निहोत्री ने अपने छोटे भाई कुश, जो मुंबई में एक सहायक फिल्म निर्देशक और फोटोग्राफर है, से उनके लिए दुल्हन खोजने का आग्रह किया। कुश अपने सेना के अनुभवी पिता कर्नल सेनानिवृत्त स्वयं अग्निहोत्री और गृहिणी माँ कनक से मिलने के लिए घर पहुँचते हैं और लव के लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने के लिए पूरे भारत में उनके साथ यात्रा करते हैं, लेकिन व्यर्थ। उसके दोस्त एक अखबार में इसका विज्ञापन करने का विचार लेकर आए। एक निश्चित दिलीप दीक्षित ने विज्ञापन का जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया कि वह अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश कर रहा है। हालांकि जब कुछ दीक्षित परिवार से मिलने के लिए अपने माता पिता के साथ दिल्ली की यात्रा करते हैं, तो वह यह जानकर चौंक जाते हैं कि भावी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि डिम्पल डी दीक्षित है, जिनसे वह 5 साल की उम्र में कॉलेज में एक मुठभेड़ के दौरान मिले थे। साल पहले अप्रिय और जोरदार डिम्पल वह सब कुछ है जो कुछ नहीं है, लेकिन वह एक दृश्य नहीं बनाने की विनती करता है और उसे गठबंधन पर विचार करने के लिए कहता है। लव से मिलने के बाद डिम्पल उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उसका भाई अजय चाहता है कि उनकी शादी आगरा में ऐसी जगह हो जहाँ से ताजमहल दिखाई दे। हालांकि शादी की तैयारियों के दौरान कुश को पता चलता है कि उसके मन में डिम्पल के लिए भावनाएं हैं और वह शुरू में उसे थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। बाद में वह भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता है और वे वापस लौटते हैं। लव को विचलित करने की योजना बनाते हैं। आखिरकार शादी की पूर्व संध्या पर डिम्पल आपसी मित्र प्याली को आगरा ले जाती है। लव यह जानकर कि वह अभी भी प्याली के लिए भावनाएं रखते हैं, दोनों अगले दिन भाग जाते हैं
और शादी कर लेते हैं। लव तब अग्निहोत्री और दीक्षित परिवार को पत्र भेजकर उनके भाग जाने का कारण बताते हैं। पत्रों को पढ़ने के बाद दिलीप और स्वर्णिक के बीच कड़वी लड़ाई होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके सम्मान और गौरव की रक्षा करने का एकमात्र तरीका कुश और डिंपल की शादी करवाना है। हालांकि कुश ने एक शर्त रखी कि वह डिंपल से तभी शादी करेगा जब लव और प्याली को स्वीकार किया जाएगा। परिवार सहमत है, दोनों जोड़े एक उचित भव्य शादी का आनंद ले रहे हैं। वे हमेशा एक साथ खुशी से रहते हैं। ढालना, कुश अग्निहोत्री के रूप में इमरान खान, डिंपल डी दीक्षित के रूप में कैटरीना कैफ, लव अग्निहोत्री के रूप में अली जफर, प्याली पटेल के रूप में तारा डिसूजा, रॉबिन के रूप में सूफी मल्होत्रा, परीक्षित साहनी, कर्नल स्वर्ण अग्निहोत्री के रूप में दिलीप दीक्षित के रूप में कमलजीत सिंह, कनक अग्निहोत्री के रूप में सुपर्णा मारवाहा, करमवीर चौधरी हरियाणवी लड़की के पिता के रूप में लता दीक्षित के रूप में मरऊ शेख, अजय दीक्षित के रूप में अरफिन खान, शोभित के रूप में मोहम्मद जीशान अयोग, तारिक वासुदेव, रोहित के रूप में ब्रजेंद्र काला, सलमान भाई के रूप में जॉन अब्राहम, खुद के रूप में विशेष उपस्थिति में स्कॉटिश पर्यटक के रूप में यान प्रेजर एयरपोर्ट कार्ड को धक्का दे रहा है। कायरा दत्त टाइटल ट्रैक में एक विशेष गीत में दिखाई देती है। गीत संगीत मेरे ब्रदर की दुल्हन द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम सोहेल सेन मुक्त 9 अगस्त 2011 रिकॉर्डेड 2011 YRF स्टूडियो सावा स्टूडियो मुंबई भारत। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 35 मिनट 21 सेकेंड लेवल YRF संगीत निर्माता सोहेल सेन। सोहेल सेन कालक्रम खेले हम जी जान से 2010 मेरे ब्रदर की दुल्हन 2011 एक था टाइगर 2012 फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक सोहेल सेन द्वारा रचित था जो व्हाट्स योर राशि 2009 बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं जो सोहेल सेन और इरशाद कामिल के बीच पहली बार काम कर रहे हैं। फिल्म में अली जफर ने एक गाना गाया है मधुबाला। कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया गीत बीते जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री मधुबाला को श्रद्धांजलि था। संगीत 9 अगस्त 2011 को जारी किया गया था। एल्बम में 6 मूल ट्रैक और 2 रिमिक्स शामिल हैं। गाना नंबर 1 मेरे ब्रदर की दुल्हन इस गाने के गायकार के सहायक गायक कृष्णा बेवरा हैं। गाना नंबर 2 धुन की इस गाने के गायकार नेहा वसीन हैं। गाना नंबर 3 चूमंतर इस गाने के गायकार बीनी दयाल और अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 4 इश्क जोखिम इस गाने के गायकार राहत फतेह अली खान हैं। गाना नंबर 5 मधुबाला इस गाने के गायकार अली जफर, श्री रामचंद्र और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 6 दोधारी तलवार इस गाने के गायकार शाहिद माल्या और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 7 चूमंतर रीमिक्स इस गाने के गायकार बीनी दयाल अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 8 इश्क जोखिम जोखिम भरा मिश्रण इस गाने के गायकार श्री रामचंद्र और नेहा वसीन हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन अनुवाद माय ब्रदर की दुल्हन 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है और आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर और तारा डिसूजा है। फिल्म में डिंपल दीक्षित कैफ और लव अग्निहोत्री जफर की शादी होने वाली है, लेकिन मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब डिंपल और कुश खान
शादी से पहले के दिनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं। निर्देशक अली अब्बास जफर द्वारा लिखित, अली अब्बास जफर द्वारा उत्पादित, आदित्य चोपड़ा अभिनीत, इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर, तारा डिसूजा, छायांकन सुदीप चटर्जी द्वारा संपादित, रितेश सोनी, संगीत दिया है सोहेल सेन, प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, रिलीज की तारीख 9 सितंबर 2011, कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 220 मिलियन $2.8 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 856 मिलियन $11 मिलियन, मेरे ब्रदर की दुल्हन ने अगस्त 2010 में जफर के बाद विकास में प्रवेश किया, जो तब एक सहायक निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने यशराज के लिए 3-3 अलग पटकथाएँ लिखीं। उसके बाद जल्द ही खान और कैफ की भागीदारी की घोषणा की गई। न्यूयॉर्क 2009 के बाद यशराज और कैफ के लिए खान की पहली फिल्म और जफर की दूसरी फिल्म थी। जफर और डिसूजा को उनकी शुरुआती बॉलीवुड भूमिकाओं में काम पर रखने के साथ कास्टिंग पूरी की गई और प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2010 में शुरू हुई और नवंबर तक चली, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। रिलीज होने पर फिल्म को मेरी यार की शादी है 2002 और डैन इन रियल लाइफ 2007 से तुलना करते हुए साहित्यिक चोरी के आरोप मिले। मेरे ब्रदर की दुल्हन जुलाई 2011 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थगित कर दी गई। यह उसी वर्ष 9 सितंबर को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क द्वारा भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने दुनिया भर में 856 मिलियन $11 मिलियन की कमाई की। यह 2011 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक और हाथ से 57वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मेरे ब्रदर की दुल्हन को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैफ और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सोहेल सेन। कथानक लंदन में अपनी प्रेमिका प्याली पटेल ने नाता तोड़ने के बाद लव अग्निहोत्री ने अपने छोटे भाई कुश, जो मुंबई में एक सहायक फिल्म निर्देशक और फोटोग्राफर है, से उनके लिए दुल्हन खोजने का आग्रह किया। कुश अपने सेना के अनुभवी पिता कर्नल सेनानिवृत्त स्वयं अग्निहोत्री और गृहिणी माँ कनक से मिलने के लिए घर पहुँचते हैं और लव के लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने के लिए पूरे भारत में उनके साथ यात्रा करते हैं, लेकिन व्यर्थ। उसके दोस्त एक अखबार में इसका विज्ञापन करने का विचार लेकर आए। एक निश्चित दिलीप दीक्षित ने विज्ञापन का जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया कि वह अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश कर रहा है। हालांकि जब कुछ दीक्षित परिवार से मिलने के लिए अपने माता पिता के साथ दिल्ली की यात्रा करते हैं, तो वह यह जानकर चौंक जाते हैं कि भावी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि डिम्पल डी दीक्षित है, जिनसे वह 5 साल की उम्र में कॉलेज में एक मुठभेड़ के दौरान मिले थे। साल पहले अप्रिय और ज़ोरदार डिम्पल वह सब कुछ है जो कुछ नहीं है, लेकिन वह एक दृश्य नहीं बनाने की विनती करता है और उसे गठबंधन पर विचार करने के लिए कहता है। लव से मिलने के बाद डिम्पल उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उसका भाई अजय चाहता है कि उनकी शादी आगरा में ऐसी जगह हो जहाँ से ताजमहल दिखाई दे। हालांकि शादी की तैयारियों के दौरान कुश को पता चलता है कि उसके मन में डिम्पल के लिए भावनाएं हैं और वह शुरू में उसे थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। बाद में वह भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता है और वे वापस लौटते हैं। लव को विचलित करने की योजना बनाते हैं। आखिरकार शादी की पूर्व संध्या पर डिम्पल आपसी मित्र प्याली को आगरा ले जाती है। लव यह जानकर कि वह अभी भी प्याली के लिए भावनाएं रखते हैं, दोनों अगले दिन भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लव तब अग्निहोत्री और दीक्षित परिवार को पत्र भेजकर उनके भाग जाने का कारण बताते हैं। पत्रों को पढ़ने के बाद दिलीप और स्वर्णिक के बीच कड़वी लड़ाई होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके सम्मान और गौरव की रक्षा करने का एकमात्र तरीका कुश और डिम्पल की शादी करवाना है। हालांकि कुश ने एक शर्त रखी कि वह डिम्पल से तभी शादी करेगा जब लव और प्याली को स्वीकार किया जाएगा। परिवार सहमत है, दोनों जोड़े एक उचित भव्य शादी का आनंद ले रहे हैं। वे हमेशा एक साथ खुशी से रहते हैं।
ढालना। कुश अग्निहोत्री के रूप में इमरान खान, डिम्पल डी दीक्षित के रूप में कैटरीना कैफ, लव अग्निहोत्री के रूप में अली जफर, प्याली पटेल के रूप में तारा डिसूजा, रॉबिन के रूप में सूफी मल्होत्रा, परीक्षित साहनी, कर्नल स्वर्ण अग्निहोत्री के रूप में दिलीप दीक्षित के रूप में कमलजीत सिंह, कनक अग्निहोत्री के रूप में सुपर्णा मारवाहा, करमवीर चौधरी हरियाणवी लड़की के पिता के रूप में लता दीक्षित के रूप में मरव शेख, अजय दीक्षित के रूप में अरफिन खान, शोभित के रूप में मोहम्मद जीशान अयोग, तारिक वासुदेव, रोहित के रूप में ब्रजेंद्र काला, सलमान भाई के रूप में जॉन अब्राहम, खुद के रूप में विशेष उपस्थिति में स्कॉटिश पर्यटक के रूप में यान प्रेजर, एयरपोर्ट कार्ड को धक्का दे रहा है कायरा दत्त, टाइटल ट्रैक में एक विशेष गीत में दिखाई देती है, गीत संगीत मेरे ब्रदर की दुल्हन द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम सोहेल सेन, मुक्त 9 अगस्त 2011, रिकॉर्डेड 2011, YRF स्टूडियो, सावा स्टूडियो, मुंबई भारत, शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 35 मिनट 21 सेकेंड, लेवल YRF संगीत, निर्माता सोहेल सेन, सोहेल सेन कालक्रम खेले हम जी जान से 2010, मेरे ब्रदर की दुल्हन 2011, एक था टाइगर 2012, फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक सोहेल सेन द्वारा रचित था, जो व्हाट्स योर राशि 2009, बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं, जो सोहेल सेन और इरशाद कामिल के बीच पहली बार काम कर रहे हैं। फिल्म में अली जफर ने एक गाना गाया है, मधुबाला कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया गीत बीते जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री मधुबाला को श्रद्धांजलि था। संगीत 9 अगस्त 2011 को जारी किया गया था। एल्बम में 6 मूल ट्रैक और 2 रिमिक्स शामिल हैं। गाना नंबर 1 मेरे ब्रदर की दुल्हन इस गाने के गायकार के सहायक गायक कृष्णा बेवरा हैं। गाना नंबर 2 धुन की इस गाने के गायकार नेहा वसीन हैं। गाना नंबर 3 चूमंतर इस गाने के गायकार बीनी दयाल और अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 4 इश्क जोखिम इस गाने के गायकार राहत फतेह अली खान हैं। गाना नंबर 5 मधुबाला इस गाने के गायकार अली जफर, श्री रामचंद्र और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 6 दोधारी तलवार इस गाने के गायकार शाहिद माल्या और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 7 चूमंतर रीमिक्स इस गाने के गायकार बीनी दयाल, अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 8 इश्क जोखिम जोखिम भरा मिश्रण इस गाने के गायकार श्री रामचंद्र और नेहा वसीन हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन अनुवाद माय ब्रदर की दुल्हन 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है और आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर और तारा डिसूजा है। फिल्म में डिम्पल दीक्षित कैफ और लव अग्निहोत्री जफर की शादी होने वाली है, लेकिन मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब डिम्पल और कुश खान शादी से पहले के दिनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं। निर्देशक अली अब्बास जफर द्वारा लिखित, अली अब्बास जफर द्वारा उत्पादित, आदित्य चोपड़ा अभिनीत, इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर, तारा डिसूजा, छायांकन सुदीप चटर्जी द्वारा संपादित, रितेश सोनी संगीत दिया है, सोहेल सेन, प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, रिलीज की तारीख 9 सितंबर 2011,
कार्यकारी समय 145 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 220 मिलियन $2.8 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 856 मिलियन $11 मिलियन $11 मिलियन। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने अगस्त 2010 में जफर के बाद विकास में प्रवेश किया, जो तब एक सहायक निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने यशराज के लिए 3-3 अलग पटकथाएँ लिखीं। उसके बाद जल्द ही खान और कैफ की भागीदारी की घोषणा की गई। न्यूयॉर्क 2009 के बाद यशराज और कैफ के लिए खान की पहली फिल्म और जफर की दूसरी फिल्म थी। जफर और डिसूजा को उनकी शुरुआती बॉलीवुड भूमिकाओं में काम पर रखने के साथ कास्टिंग पूरी की गई और प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2010 में शुरू हुई और नवंबर तक चली, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। रिलीज़ होने पर फिल्म को मेरी यार की शादी है 2002 और डैन इन रियल लाइफ 2007 से तुलना करते हुए साहित्यिक चोरी के आरोप मिले। मेरे ब्रदर की दुल्हन जुलाई 2011 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थगित कर दी गई। यह उसी वर्ष 9 सितंबर को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क द्वारा भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने दुनिया भर में 856 मिलियन $11 मिलियन की कमाई की। यह 2011 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक और हाथ से 57वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मेरे ब्रदर की दुल्हन को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैफ और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सोहेल सेन। कथानक लंदन में अपनी प्रेमिका प्याली पटेल ने नाता तोड़ने के बाद लव अग्निहोत्री ने अपने छोटे भाई कुश, जो मुंबई में एक सहायक फिल्म निर्देशक और फोटोग्राफर है, से उनके लिए दुल्हन खोजने का आग्रह किया। कुश अपने सेना के अनुभवी पिता कर्नल सेनानिवृत्त स्वयं अग्निहोत्री और गृहिणी माँ कनक से मिलने के लिए घर पहुँचते हैं और लव के लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने के लिए पूरे भारत में उनके साथ यात्रा करते हैं, लेकिन व्यर्थ। उसके दोस्त एक अखबार में इसका विज्ञापन करने का विचार लेकर आए। एक निश्चित दिलीप दीक्षित ने विज्ञापन का जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया कि वह अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश कर रहा है। हालांकि जब कुछ दीक्षित परिवार से मिलने के लिए अपने माता पिता के साथ दिल्ली की यात्रा करते हैं, तो वह यह जानकर चौंक जाते हैं कि भावी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि डिम्पल डी दीक्षित है, जिनसे वह 5वें साल पहले 5 साल की उम्र में कॉलेज में एक मुठभेड़ के दौरान मिले थे। साल पहले अप्रिय और जोरदार डिम्पल वह सब कुछ है जो कुछ नहीं है, लेकिन वह एक दृश्य नहीं बनाने की विनती करता है और उसे गठबंधन पर विचार करने के लिए कहता है। लव से मिलने के बाद डिम्पल उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उसका भाई अजय चाहता है कि उनकी शादी आगरा में ऐसी जगह हो जहाँ से ताजमहल दिखाई दे। हालांकि शादी की तैयारियों के दौरान कुछ को पता चलता है कि उसके मन में डिम्पल के लिए भावनाएं हैं और वह शुरू में उसे थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। बाद में वह भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता है और वे वापस लौटते हैं। लव को विचलित करने की योजना बनाते हैं। आखिरकार शादी की पूर्व संध्या पर डिम्पल आपसी मित्र प्याली को आगरा ले जाती है। लव यह जानकर कि वह अभी भी प्याली के लिए भावनाएं रखते हैं, दोनों अगले दिन भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लव तब अग्निहोत्री और दीक्षित परिवार को पत्र भेजकर उनके भाग जाने का कारण बताते हैं। पत्रों को पढ़ने के बाद दिलीप और स्वर्णिक के बीच कड़वी लड़ाई होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके सम्मान और गौरव की रक्षा करने का एकमात्र तरीका कुश और डिम्पल की शादी करवाना है। हालांकि कुश ने एक शर्त रखी कि वह डिम्पल से तभी शादी करेगा जब लव और प्याली को स्वीकार किया जाएगा। परिवार सहमत है, दोनों जोड़े एक उचित भव्य शादी का आनंद ले रहे हैं। वे हमेशा एक साथ खुशी से रहते हैं। ढालना कुश अग्निहोत्री के रूप में इमरान खान, डिम्पल डी दीक्षित के रूप में कैटरीना कैफ, लव अग्निहोत्री के रूप में अली जफर, प्याली पटेल के रूप में तारा डिसूजा, रॉबिन के रूप में सूफी मल्होत्रा, परीक्षित साहनी, कर्नल स्वर्ण अग्निहोत्री के रूप में दिलीप दीक्षित के रूप में कमलजीत सिंह, कनक अग्निहोत्री के रूप में सुपर्णा मारवाहा, करमवीर चौधरी हरियाणवी लड़की के पिता के रूप में लता दीक्षित के रूप में मरऊ शेख,
अजय दीक्षित के रूप में अरफिन खान, शोविद के रूप में मोहम्मद जीशान, अयोग तारिक वासुदेव, रोहित के रूप में ब्रजेंद्र काला, सलमान भाई के रूप में जॉन अब्राहम, खुद के रूप में विशेष उपस्थिति में स्कॉटिश पर्यटक के रूप में यान प्रेजर एयरपोर्ट कार्ड को धक्का दे रहा है। कायरा दत्त टाइटल ट्रैक में एक विशेष गीत में दिखाई देती है। गीत संगीत मेरे ब्रदर की दुल्हन द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम सोहेल सेन मुक्त 9 अगस्त 2011 रिकॉर्डेड 2011 YRF स्टूडियो सावा स्टूडियो मुंबई भारत। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 35 मिनट 21 सेकेंड लेवल YRF संगीत निर्माता सोहेल सेन। सोहेल सेन कालक्रम खेले हम जी जान से 2010 मेरे ब्रदर की दुल्हन 2011 एक था टाइगर 2012 फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक सोहेल सेन द्वारा रचित था जो वाट्स योर राशि 2009 बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं जो सोहेल सेन और इरशाद कामिल के बीच पहली बार काम कर रहे हैं। फिल्म में अली जफर ने एक गाना गाया है मधुबाला। कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया गीत बीते जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री मधुबाला को श्रद्धांजलि था। संगीत 9 अगस्त 2011 को जारी किया गया था। एल्बम में 6 मूल ट्रैक और 2 रिमिक्स शामिल हैं। गाना नंबर 1 मेरे ब्रदर की दुल्हन इस गाने के गायकार के सहायक गायक कृष्णा बेवरा हैं। गाना नंबर 2 धुन की इस गाने के गायकार नेहा वसीन हैं। गाना नंबर 3 चूमंतर इस गाने के गायकार बीनी दयाल और अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 4 इश्क जोखिम इस गाने के गायकार राहत फ़तेह अली खान हैं। गाना नंबर 5 मधुबाला इस गाने के गायकार अली जफर श्री रामचंद्र और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 6 दोधारी तलवार इस गाने के गायकार शाहिद माल्या और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 7 चूमंतर रीमिक्स इस गाने के गायकार बीनी दयाल अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 8 इश्क जोखिम जोखिम भरा मिश्रण इस गाने के गायकार श्री रामचंद्र और नेहा वसीन हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मेरे ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन अनुवाद माय ब्रदर की दुल्हन 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे अली अब्बास जफर ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है और आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत इसका निर्माण किया है। फिल्म में इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर और तारा डिसूजा है। फिल्म में डिंपल दीक्षित कैफ और लव अग्निहोत्री जफर की शादी होने वाली है, लेकिन मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब डिंपल और कुश खान शादी से पहले के दिनों में एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं। निर्देशक अली अब्बास जफर द्वारा लिखित, अली अब्बास जफर द्वारा उत्पादित, आदित्य चोपड़ा अभिनीत, इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर, तारा डिसूजा, छायांकन सुदीप चटर्जी द्वारा संपादित, रितेश सोनी संगीत दिया है, सोहेल सेन, प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, रिलीज की तारीख 9 सितंबर 2011, कार्यकारी समय 145 मिनट 23, भारत, भाषा हिंदी, बजट 220 मिलियन $2.8 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 856 मिलियन $ 11 मिलियन। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने अगस्त 2010 में जफर के बाद विकास में प्रवेश किया, जो तब एक सहायक निर्देशक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने यशराज के लिए 3-3 अलग पटकथाएँ लिखीं। उसके बाद जल्द ही खान और कैफ की भागीदारी की घोषणा की गई। न्यूयॉर्क 2009 के बाद यशराज और कैफ के लिए खान की पहली फिल्म
और जफ़र की दूसरी फिल्म थी। जफ़र और डिसूजा को उनकी शुरुआती बॉलीवुड भूमिकाओं में काम पर रखने के साथ कास्टिंग पूरी की गई और प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2010 में शुरू हुई और नवंबर तक चली, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। रिलीज होने पर फिल्म को मेरी यार की शादी है 2002 और डैन इन रियल लाइफ 2007 से तुलना करते हुए साहित्यिक चोरी के आरोप मिले। मेरे ब्रदर की दुल्हन जुलाई 2011 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से स्थगित कर दी गई। यह उसी वर्ष 9 सितंबर को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क द्वारा भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था। मेरे ब्रदर की दुल्हन ने दुनिया भर में 856 मिलियन $ 11 मिलियन की कमाई की। यह 2011 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साउंड ट्रैक और हाथ से 57वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में मेरे ब्रदर की दुल्हन को 2 नामांकन मिले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैप और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक सोहेल सेन। कथानक लंदन में अपनी प्रेमिका प्याली पटेल ने नाता तोड़ने के बाद लव अग्निहोत्री ने अपने छोटे भाई कुश, जो मुंबई में एक सहायक फिल्म निर्देशक और फोटोग्राफर है, से उनके लिए दुल्हन खोजने का आग्रह किया। कुश अपने सेना के अनुभवी पिता कर्नल सेनानिवृत्त स्वयं अग्निहोत्री और गृहिणी माँ कनक से मिलने के लिए घर पहुँचते हैं और लव के लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने के लिए पूरे भारत में उनके साथ यात्रा करते हैं, लेकिन व्यर्थ। उसके दोस्त एक अखबार में इसका विज्ञापन करने का विचार लेकर आए। एक निश्चित दिलीप दीक्षित ने विज्ञापन का जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया कि वह अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश कर रहा है। हालांकि जब कुछ दीक्षित परिवार से मिलने के लिए अपने माता पिता के साथ दिल्ली की यात्रा करते हैं, तो वह यह जानकर चौंक जाते हैं कि भावी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि डिम्पल डी दीक्षित है, जिनसे वह 5 साल की उम्र में कॉलेज में एक मुठभेड़ के दौरान मिले थे। साल पहले अप्रिय और ज़ोरदार डिम्पल वह सब कुछ है जो कुछ नहीं है, लेकिन वह एक दृश्य नहीं बनाने की विनती करता है और उसे गठबंधन पर विचार करने के लिए कहता है। लव से मिलने के बाद डिम्पल उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उसका भाई अजय चाहता है कि उनकी शादी आगरा में ऐसी जगह हो जहाँ से ताजमहल दिखाई दे। हालांकि शादी की तैयारियों के दौरान कुछ को पता चलता है कि उसके मन में डिम्पल के लिए भावनाएं हैं और वह शुरू में उसे थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। बाद में वह भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता है और वे वापस लौटते हैं। लव को विचलित करने की योजना बनाते हैं। आखिरकार शादी की पूर्व संध्या पर डिम्पल आपसी मित्र प्याली को आगरा ले जाती है। लव यह जानकर कि वह अभी भी प्याली के लिए भावनाएं रखते हैं, दोनों अगले दिन भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लव तब अग्निहोत्री और दीक्षित परिवार को पत्र भेजकर उनके भाग जाने का कारण बताते हैं। पत्रों को पढ़ने के बाद दिलीप और स्वर्णिक के बीच कड़वी लड़ाई होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके सम्मान और गौरव की रक्षा करने का एकमात्र तरीका कुश और डिम्पल की शादी करवाना है। हालांकि कुश ने एक शर्त रखी कि वह डिम्पल से तभी शादी करेगा जब लव और प्याली को स्वीकार किया जाएगा। परिवार सहमत है, दोनों जोड़े एक उचित भव्य शादी का आनंद ले रहे हैं। वे हमेशा एक साथ खुशी से रहते हैं। ढालना कुश अग्निहोत्री के रूप में इमरान खान, डिम्पल डी दीक्षित के रूप में कैटरीना कैफ, लव अग्निहोत्री के रूप में अली जफर, प्याली पटेल के रूप में तारा डिसूजा, रॉबिन के रूप में सूफी मल्होत्रा, परीक्षित साहनी, कर्नल स्वर्ण अग्निहोत्री के रूप में दिलीप दीक्षित के रूप में कमलजीत सिंह, कनक अग्निहोत्री के रूप में सुपर्णा मारवाहा, करमवीर चौधरी हरियाणवी लड़की के पिता के रूप में लता दीक्षित के रूप में मरऊ शेख, अजय दीक्षित के रूप में अरफिन खान, शोभित के रूप में मोहम्मद जीशान अयोग, तारिक वासुदेव, रोहित के रूप में ब्रजेंद्र काला, सलमान भाई के रूप में जॉन अब्राहम, खुद के रूप में विशेष उपस्थिति में स्कॉटिश पर्यटक के रूप में यान प्रेजर एयरपोर्ट कार्ड को धक्का दे रहा है। कायरा दत्त टाइटल ट्रैक में एक विशेष गीत में दिखाई देती है। गीत संगीत मेरे ब्रदर की दुल्हन द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम सोहेल सेन मुक्त 9 अगस्त 2011 रिकॉर्डेड 2011 YRF स्टूडियो सावा स्टूडियो मुंबई भारत। शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई
35 मिनट 21 सेकेंड लेवल बाय आरएफ संगीत, निर्माता सोहेल सेन, सोहेल सेन कालक्रम खेले हम जी जान से 2010, मेरे ब्रदर की दुल्हन 2011, एक था टाइगर 2012। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक सोहेल सेन द्वारा रचित था, जो व्हाट्स योर राशि 2009 बोल इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं, जो सोहेल सेन और इरशाद कामिल के बीच पहली बार काम कर रहे हैं। फिल्म में अली जफर ने एक गाना गाया है मधुबाला, कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया गीत बीते जमाने की लोकप्रिय अभिनेत्री मधुबाला को श्रद्धांजलि था। संगीत 9 अगस्त 2011 को जारी किया गया था। एल्बम में 6 मूल ट्रैक और 2 रिमिक्स शामिल हैं। गाना नंबर 1 मेरे ब्रदर की दुल्हन, इस गाने के गायकार के सहायक गायक कृष्णा बेवरा हैं। गाना नंबर 2 धुनकी, इस गाने के गायकार नेहा वसीन हैं। गाना नंबर 3 चूमंतर, इस गाने के गायकार बीनी दयाल और अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 4 इश्क जोखिम, इस गाने के गायकार राहत फ़तेह अली खान हैं। गाना नंबर 5 मधुबाला, इस गाने के गायकार अली जफर, श्री रामचंद्र और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 6 दोधारी तलवार, इस गाने के गायकार शाहिद माल्या और श्वेता पंडित हैं। गाना नंबर 7 चूमंतर रीमिक्स, इस गाने के गायकार बीनी दयाल अदिति सिंह शर्मा हैं। गाना नंबर 8 इश्क जोखिम जोखिम भरा मिश्रण, इस गाने के गायकार श्री रामचंद्र और नेहा वसीन हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।